हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू अन एकेडमी। हाय नीट 2022 एस्पिरेंट, मुझे लगता है मैं ये लाइन लास्ट टाइम बोल रही हूँ। नीट 2022 एस्पिरेंट्स, ये जो लाइन है, पिछले दो साल से कॉन्टिन्यूसली वी हैड बिन वर्किंग ऑन यू एंड वी हैड बिन टीचिंग यू, एंड फाइनली वो दिन आ गया यार, वो आखिरी दिन जिस दिन तुम बस आखिरी बारी बेटा पढ़ रहे हो मेरे से बायो, इसके बाद अब मैं और नहीं पढ़ाऊंगी तुम्हें, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो गुड इवनिंग फॉर द लास्ट टाइम, एंड आई रियली विश ये आपका लास्ट टाइम हो, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कोई भी बच्चा यार मेरे से दोबारा पढ़े, ये मैम की इच्छा है। ये थोड़ा सेल्फिश हो सकता है, कौन कहेगा कि मेरे से दोबारा मत मिलना, बट मैं चाहती हूँ तुम मेरे से पढ़ाई के लिए तो दोबारा मत मिलना, लेकिन हाँ सिलेक्शन के बाद यार मेडिकल कॉलेज में तुमसे बिल्कुल मिलेंगे, ऑफकोर्स हम लोग मिलने आने वाले हैं, ठीक है जी। गुड इवनिंग आ जाओ सबसे। और आज का सेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, सबसे ज़्यादा क्रूशियल भी है फॉर योर नीट प्रेपरेशन, बिकॉज आज हम दो चीज़ें करने वाले हैं। एक तो हम करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एक बेटा मैं यहाँ पर और चीज़ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बस मैं आज ही कराऊंगी। पहले मैंने सोचा मैं कल भी तुम्हें सवाल कराऊं, फिर मैंने सोचा यार कल तो तुम ट्रैवल कर रहे होगे, कल रिलैक्स रहो, अब ज़्यादा नहीं देखना है, टेंशन मत लो, ये छूट गया, तुम्हें सब आता है, तो मैं आज ही बेटा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ साथ आई विल बी टेकिंग ओवर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैंने लास्ट टाइम भी बेटा पिछले साल वाले बच्चों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए थे, आप देख लेना, उसको मैच करके देख लेना उसमें से कितने सवाल आए थे। AIMT का पेपर हमारे अंडर बना है, आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि यार कितने क्वेश्चंस उसमें से आए थे डायरेक्ट, मतलब थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट बेटा बिल्कुल सेम आ जाता है। तो बस वही वाला सेशन आज हमारा है, बायोलॉजी का आखिरी सेशन। इसके बाद मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी बस और कुछ नहीं देखना है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तुमने अभी देख ही लिया मेरा वीडियो कि दो दिन में नीट क्रैक कैसे होता है ना, कुछ बच्चों ने देख लिया हो, फनी वीडियो है थोड़ा सा, बट हम लोगों ने दो साल मेहनत की है। हो सकता है आपने सीरियस मेहनत 6 महीने के लिए की हो, सीरियस मेहनत 1 साल के लिए की हो, सारी की सारी मेहनत आज से एक दिन बाद 17th of July को निकलने वाली है 2 बजे से लेकर 5:20 पे। एंड मेरा दिल बेटा तुम्हारे से ज़्यादा धड़क रहा है, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड एट द सेम टाइम नर्वस। बेटा पेपर आप देने जाते हो बट अंदर एक टीचर का भी फील होता है, एक पेरेंट के भी फील होता है कि यार हमारा बच्चा सब सही देके आए, हमने उस पर इतनी मेहनत की, आपके पेरेंट्स ने भी आप पे इतनी मेहनत की, उन्होंने बहुत सैक्रीफाइसेस किए हैं यार आपके लिए। तो पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए, अपने टीचर्स के लिए आप अपना बेस्ट देकर आएंगे, ये मुझे पता है, ठीक है। रिलैक्स होकर देके आएंगे लेकिन बेस्ट देके आएंगे, ये मेरा तुम पे भरोसा है, तुम इसका प्रेशर मत लेना, तुम बस फोड़ के आना, वहां पर फोड़ के आओगे, मेहनत किया है तो यार फोड़ोगे, है ना, तो उसमें कोई वो नहीं है। वी विल मिस यू अभी नहीं करना है, पेपर के बाद करना बेटा, पेपर के बाद डू कॉल मी, यू नो हाउ टू कॉल मी, डू रीच आउट टू मी ऑन एनी प्लेटफॉर्म एंड डू टेल मी हाउ वॉज योर पेपर। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, मैं सबसे सुनना चाहती हूँ कि यार आपका पेपर कैसा गया। एंड हर बच्चा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, हर यानी कि हर यहाँ पर खड़ा हुआ हर बच्चा इस क्लास का मैम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैम ने हर बच्चे पे कोशिश की इंडिविजुअल अटेंशन हो, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ता है, चाहे वो प्लस का है, चाहे वो आइकॉनिक है, चाहे वो सिर्फ स्पेशल क्लास लगाता है, कोशिश मेरी यही है कि मैं अपना बेस्ट कॉन्टेंट उस हर बच्चे को दूँ जो डिजर्व करता है ये एजुकेशन को। और आप लोग डिजर्व करते हो, चाहे किसी भी छोटे शहर से हो, कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन है, आज के टाइम पे बेटा हर बच्चा डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि हर बच्चे के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अब नहीं बोल सकते मेरे पापा ने मुझे कोटा नहीं भेजा इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, या मेरे पापा ने मेरे साथ ये नहीं किया, ये कोचिंग में एडमिशन नहीं दिला इसीलिए नहीं हो पाया। बेटा आपको ही बहाना नहीं है, अब इंटरनेट दिलवा दिया पापा ने, पैक है ना बस इंटरनेट पैक जिससे देख रहे हो, इससे सिलेक्शन हो सकता है, बस सिर्फ एक इंटरनेट पैक आपका सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए शुरू करें बेटा, यस शुरू करें। बेटा कैसे कॉन्टैक्ट करें, मैम का टेलीग्राम, मैम का इंस्टाग्राम, मैम के टेलीग्राम पे नंबर, सब कुछ तो है यार, मेरा नंबर तुम्हारे पास है, मेरा पूरा टेलीग्राम का @, तुम कहीं भी मुझे सर्च कर सकते हो @SeepPahuja, सब कुछ तो है यार, और क्या चाहिए जिंदगी में। जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम वेरी एक्टिव ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों से यार ऑनलाइन में मुझे तो कनेक्टेड रहना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आई एम ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यस। चलिए स्टार्ट करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो सबसे पहला आज का पार्ट होगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए आज जो क्वेश्चन आएंगे वो PYQs, अकेले नहीं बोल सकते उसको, वो अकेले PYQs नहीं है, वो PYQs का बाप है।
वो पीवाई क्यूज का बेटा ब्रह्मास्त्र है, इस वजह से मैंने टर्म को यूज किया ब्रह्मास्त्र होगा अब, क्योंकि बेटा आज मैं वो पीवाई क्यूज कराऊंगी जो सालों में रिपीट हुए हैं। पीवाई क्यूज तो बेटा आपने बहुत बारी किए हैं, लेकिन रिपीट कौन सा होता है, अगर मैं वो पिन पॉइंट तुम्हें सर्च करके बता दूं तो बेटा वही आज का अपना सेशन होने वाला है। सो द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फॉलोड बाय द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दो चीजें आज हमने करनी है, ठीक है जी। शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर मुझे कहां पर चाहिए? आंसर बेटा मुझे चाहिए आपके चैट बॉक्स में। और आंसर कैसे देंगे? 1 का 2, 2 का 3, इस तरीके से आंसर देंगे। तो आखिरी बारी बेटा हो जाए शुरुआत अपने बेस्ट सेशन की नीट 2022 की, क्योंकि अब ये जर्नी जो है इट इज एट द एंड, क्लाइमेक्स चल रहा बेटा। इस मूवी का क्या चल रहा है? क्लाइमेक्स। और क्लाइमेक्स और जो सीजन फिनाले होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आज फिनाले एपिसोड है अपना, ठीक है। वैसे असली फिनाले तो तुम पेपर वाले दिन करके आओगे कि नहीं करके आओगे? असली फिनाले तो तुम पेपर वाले दिन करके आओगे। चलो हाँ, शुरू करने से पहले यार एक बार इस सेशन को लाइक तो बनता है कि नहीं बनता? फटाफट से सेशन को कर दिया जाए लाइक एंड पहुंचा जाए अपने क्वेश्चन पे। पहले लाइक करो फिर मुझे आंसर बताओ। आंसर आप ही बताओगे, तुम्हें सब आता है, मुझे पता है तुमको सब आता है। तो 1 का आंसर क्या है, 2 का आंसर क्या है, 3 का आंसर क्या है, इस तरीके से आप बताते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और बेटा चीजें होती जाएंगी, ठीक है जी। कम ऑन, फास्टली लाइक द सेशन एंड लेट अस मूव अहेड। यस गाइस, शुरू करें जी। ओके, सो पहला अपना सवाल है, मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ, मिडल लैमेला तुम्हें पता है दो प्लांट सेल के बीच में, सेल वॉल्स के बीच में जो सीमेंटिंग लेयर है उसको बोलते हैं मिडल लैमेला। और ये जो सीमेंट है, ये सीमेंट किससे बना है बेटा? आपका बना है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। जरा देख लो कितनी बारी सवाल आया है, जरा देख लो। CBSE 1993, 1995, 2001, 2002, 2009, 5 बारी ये सवाल रिपीट हुआ और पता नहीं कितने मॉक टेस्टों में भी आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि कितनी बारी ये वाला क्वेश्चन या इस टाइप का मिलता जुलता लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, सेम टॉपिक का क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है जी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिजीज ऑफ द पोटेटो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेमस फेमिन ऑफ यूरोप वॉज कॉज्ड बाय, और द लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो को पटपट पोटैटो पता नहीं क्या बोल दिया। ओके, सो द लेट ब्लाइट ऑफ द पोटैटो इज कॉज्ड बाय, बताइए किसने बेटा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा कॉज की जाती है? प्लीज टेल मी। और ऐसे हवा में आंसर मत दीजिए, सी 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 ए ए ए ए, ऐसे आंसर नहीं देना। आप आंसर दीजिए जैसे अभी आपने बताया 1 का 3, फिर आप मान लीजिए लिख रहे हैं 2 का 2 या 2 का 3, जो भी आप लिख रहे हैं बेटा मुझे साथ साथ बताते जाइए, क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए एंड देन आप साथ में बताइए 2 का क्या आंसर है। यस, कम ऑन, आर यू रियली श्योर अबाउट दिस? आर यू बेटा रियली श्योर अबाउट दिस? हां जी, देख लो एक सेकेंड क्या चेंज आ रहा है, लेट मी जस्ट, हां जी बता दो फटाफट से, एक मिनट मैं ही ठीक कर लूं, आपका आधा कट रहा है मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। बेटा यहां पे तुम थोड़ा गलत नहीं जा रहे हो? यस, गलत नहीं जा रहे हो। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी दिस वन, फाइट ऑफ थोर एंड फेस्टन्स, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, गलती नहीं करने का। ओके जी, नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच वायरसेस आर इन्वॉल्व्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर थ्रू अ वेक्टर इज कॉल्ड एज, यस यस बेटा, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया बेटा दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ वायरस, यानी कि बैक्टीरियोफेज के थ्रू अगर ये ट्रांसफर होगा उसका आंसर क्या होगा? यस, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ट्रांसडक्शन। कितनी बारी आया जरा देख लो, 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2007, 7 बारी कम से कम ये क्वेश्चन बेटा आपका रिपीट हुआ है। मीजोजोम इन बैक्टीरियल सेल इज, मीजोजोम क्या है? बनाया ना प्रोकैरियोट का सेल ऐसा अंदर को, क्या ये एक प्लाज्मिड है? क्या ये दो सेल के बीच का कनेक्शन है? क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर नन ऑफ द अबव? अभी मीजोजोम का सवाल 1995, 97, 2001, 2003, 2005
5-6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है मीजोजोम पे। अगर मैं मीजोजोम की बात करूं तो बेटा ये क्या है, ये इनफोल्डिंग है जो कि एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का एक काम करती है, यानी कि इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। बाकी बेटा इसके बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, पेप्टिडोग्लाइकन इज अ कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूट सेल वॉल ऑफ। पेप्टिडोग्लाइकन किसी ना किसी की सेल वॉल बनाता है, किसकी बनाता है? यू बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ऑल मेंबर्स ऑफ मोनरा एंड प्रोटिस्टा। किसकी सेल वॉल बनाता है पेप्टिडोग्लाइकन? तुम्हें पता है प्लांट की सेल वॉल कौन बनाता है? सेल्यूलोज। फंजाई की सेल वॉल कौन बनाता है? काइटिन। पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया की बनाता है, यूकैरियोट्स नहीं आ सकते। करेक्ट आंसर माय डियर किड्स इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज। स्पीशीज क्या होते हैं? रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिराइव्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म। स्पीशी क्या है बेटा? दिल्ली पीएमटी 1997, बीएचयू 2001, एम्स 2000, केरला पीएमटी 2002, 2003, ये सारे क्वेश्चन बेटा रिपीट हो चुके हैं। स्पीशी क्या है बेटा? इट इज द रियल बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्या है बेटा? रियल बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। देन आता है नॉन न्यूक्लिएटेड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द विटाकर्स क्लासिफिकेशन इज included in which kingdom? Five kingdom system of classification दिया था विटाकर ने, तो अभी पूछ रहे non nucleated, जिनके पास nucleus होता ही नहीं है। भैया एक ही ऐसा phylum है जिसके पास nucleus नहीं होता, वो phylum कौन है? Protista, Monera, Animalia या Plantae? देखिए Protista में eukaryotes आ जाते हैं, तो उनके पास तो nucleus हो सकता है। करेक्ट आंसर अपना कौन सा जाएगा? Monera जाएगा, है कि नहीं? ये कौन है भैया Animalia वाले, मेरा दिल तोड़ रहे हैं। ये एक बच्चे ने यहाँ पे टिक किया एनिमिलिया, बेटा ये देखो नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं है क्या अपने पास में? या तुम्हारे पास में न्यूक्लियस गायब हो गया? कंट्रोल सेंटर कौन है सेल का? ऐसे मत करो यार, ये बेसिक क्वेश्चन में गलत नहीं करेंगे। मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया इज ड्यू टू, या फिर इसकी भाषा चेंज करके आया हुआ है सेरिब्रल मलेरिया इज ड्यू टू। मैलिग्नेंट नाम ही इतना घातक सा है, कितनी बारी आया? 91, 95, 96, 2000, 2004, कितनी बारी बेटा? तकरीबन 5-6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये जो घातक टाइप का मलेरिया है उसको कौन कॉज करता है? मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया दैट इज कॉज्ड बाय, घातक सा नाम है। जो बड़ा डेडली मलेरिया उसको डेडली नाम कॉज करेगा, डेडली नाम कौन सा है अपना? फाल्सीपेरम, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, अ बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स। अब ये न्यूमेरिकल भी बेटा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आ सकता है। देखो क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि सेम उठ के आ जाएगा, इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं बेटा आपसे? एक बैक्टीरिया है जो हर 35 मिनट के बाद डिवाइड करता है। इफ अ कल्चर कंटेनिंग 105 सेल्स पर मिलीलीटर इज ग्रोन इन 175 मिनट्स, व्हाट विल बी द सेल कंसंट्रेशन आफ्टर दैट पीरियड? कह रहे हैं कि बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है आपकी? ये बेटा 10^5 है। ओहो, इसको मैं कर देती हूँ 10^5। अब ठीक करो, अब ठीक करो बेटा, 10^5 सेल्स पर मिलीलीटर है, वो 105 नहीं है, मैंने ठीक कर दिया। अब बेटा कह रहे हैं कि इनिशियली हमारे पास कितने सेल्स हैं? अब तो आंसर ही याद हो गया होगा वैसे तुम्हें, 10^5 सेल्स हैं पर मिलीलीटर। अब ये बैक्टीरिया हर 35 मिनट के बाद डबल होता है, यानी कि 35 मिनट्स के बाद जीरोथ टाइम पे कितने अपने पास 10^5 सेल्स हैं? अगर मैं 35 मिनट के बाद देखूं तो इससे डबल हो गया होगा, दो डबल का मतलब है 2 × 10^5 सेल्स है। इतना क्लियर हो गया, डबल हो गया, ठीक है। अब 175 मिनट्स का कितना मतलब है? कितनी जनरेशन आगे बढ़ा दूं? 175 मिनट्स का मतलब है 5 जनरेशन तुम आगे बढ़ाओगे। कितनी जनरेशन बेटा? 5 जनरेशन आगे बढ़ाओगे। तो अगर 5 जनरेशन मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 32 × 10^5 सेल्स पर मिलीलीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यस बेटा, क्लियर हुआ? कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा मैथ्स है, बाकी बेटा इतना तुम समझ गए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट? सीड हैबिट में कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो कितनी बारी आ चुका है, या सिलाजिनेला हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट, दैट कैरेक्टर इज हाँ जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स इस टाइप के क्वेश्चन का रेपिटेशन हो चुका है। 6 टाइम बेटा इसका रेपिटेशन हो चुका है। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज गोइंग टू बी,
इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड? येस, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी हेटेरोस्पोरी. क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? हेटेरोस्पोरी, बिल्कुल सही आंसर. नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? फ्री लिविंग है, सिम्बायोटिक नहीं है, एरोबिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. कितनी बारी आ चुका है? 1, 2, 3, 4, 5. 5 times बेटा ये क्वेश्चन आपका आ चुका है. सो हियर द करेक्ट आंसर माय डियर किड्स, बिल्कुल सही है, दैट इज अजोटोबैक्टर. नेक्स्ट आ जाओ. अ ग्रुप ऑफ फंजाई विद अ सेप्टेट माइसीलियम. कैसा माइसीलियम? सेप्टेट. इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइदर अननोन और लैकिंग. दिस इज क्लासिफाइड अंडर फाइकोमाइसिटीज, ज्यूटेरो, एस्को, बेसिडियोमाइसिटीज. किस में डालोगे बेटा इनको? तो 1, 2, 3, 4, 5. 5 बारी बेटा ये क्वेश्चन की रेपिटेशन हो चुकी है. हाँ जी, सेप्टेट वाला ये कौन है? फाइको, ड्यूटेरो, बिल्कुल सही है बेटा. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ड्यूटेरो माइसिटीज. ये सारी फाइल बेटा मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप जुड़ सकते हो मेरे साथ. दैट इज t.me/seepmam, ठीक है, t.me/seepmam, या फिर सीप पाहुजा बायोलॉजी. वैसे तुम्हें जरूरत नहीं है इस फाइल की, लेकिन हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है. एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज रात को आने वाली है. तुम जानते हो यार, मैम तुम्हें खुश रखती है. जब मोटिवेशन की जरूरत होती है मोटिवेशन देती है, जब तुम्हें थोड़ा सा हंसाना होता है, मुझे पता है तुम स्ट्रेस्ड हो, तो तुम्हें थोड़ा सा हंसाने वाला डोज भी देती हूँ. देखो आपके लिए मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं. आज रात को बेटा, आज रात को एक आखिरी चीज आप मेरी तरफ से देखेंगे, एंड बहुत ही, बस मैं उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार इसको ज्वाइन कर लेना. इस पर रिलीज होगा रात को 9 बजे. हेडफोन्स लगा के शांति में एक बार इस चीज को देखना. दैट इज गोइंग टू बी माई, यू नो, डेडिकेशन, माई, एक तरीके से बेटा मैंने अपना सब कुछ जो मुझे फील होता है तुम्हारे लिए, वो मैंने सब कुछ निचोड़ उसमें डाल दिया है. राइट. एनीवे, शिवरिंग किस वजह से होती है? कितनी बारी? 1, 2, 3, 4. 4 times रिपीट हो चुका है. करेक्ट आंसर माय डियर किड्स, बिल्कुल सही है. दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. बेटा ये होता है जब मीरोजॉइट्स आर लिबरेटेड फ्रॉम आरबीसी अलोंग विद टॉक्सिन. उस टॉक्सिन का क्या नाम है? हेमोजॉइन. दैट टॉक्सिन इज कॉल्ड एज बेटा जी हेमोजॉइन. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए. वायरॉइड्स हैव, वायरॉइड्स का क्या सीन है? वायरॉइड्स पे सवाल 1, 2, 3, 4. 4 times आ चुके हैं बेटा वायरॉइड्स पे सवाल. वायरॉइड्स के पास क्या सीन है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाय अ प्रोटीनेशियस कोट, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, नो प्रोटीनेशियस कोट, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए बाय अ प्रोटीनेशियस कोट. पहले तो बेटा डिसाइड करो कि वायरॉइड्स का क्या सीन है. यस, बिल्कुल सही है, फटाफट से बता दो. दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विच डज नॉट हैव एनी प्रोटीन कोट. नेक्स्ट आ जाओ. एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर द ह्यूमन बींग. ह्यूमन्स के लिए कौन सा वाला फूड एक एल्गी प्रोवाइड करती है जिसको एज अ फूड आप ईट कर सकते हो? दैट इज क्लोरेला, स्पायरोगायरा, ऑसिलिटोरिया और यूलोथ्रेक्स. बता दो यार, खाना खाना हो तो कौन सी एल्गी को खा जाऊं? कितनी बारी पूछा है? 1, 2, 3, 4, 5. 5 times इस क्वेश्चन की रेपिटेशन हो चुकी है इस टाइप के क्वेश्चन की. यस, अगर बेटा मुझे खाना खाना है तो मैं किसको खाऊंगी? क्लोरेला को खाऊंगी. ठीक है जी. नेक्स्ट, टोबेको मोजेक वायरस हैज टीएमवी, दैट इज टोबेको मोजेक वायरस. बता दीजिए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. क्या सीन है यार टीएमवी का? कितनी बारी आ चुके हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 5 times ये क्वेश्चन भी बेटा रिपीट हो चुका है. यस, कम ऑन, फटाफट से बताएंगे. टबेको मोजेक वायरस, इट हैज गॉट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल. नेक्स्ट, द जेनेटिक मटेरियल इन वायरस. देखो वायरस वैसे तो नाम के ही प्राणी है, क्योंकि ये ए सेलुलर है, ये ना लिविंग में आते हैं, नॉन लिविंग में आते हैं. लेकिन ये जो वायरसेस है इन पे सवाल सबसे ज्यादा आया है. ठीक है, वायरस पे सवाल सबसे ज्यादा है. जेनेटिक मटेरियल इन वायरस इज गोइंग टू बी ओनली आरएनए, ओनली डीएनए, या तो दोनों, या फिर दोनों में से कोई एक, या फिर बेटा दोनों में से कोई एक. ओनली वन न्यूक्लिक एसिड इन द वायरस. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है. करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट आ जाइए. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोएशियस. मोनोएशियस कौन सा है बेटा इसमें से? मार्केंशिया, पाइनस, साइकस और पपाया. यस, प्लीज बताइए. 1, 2, 3, 4. 4 times ये वाला क्वेश्चन बेटा रिपीट हो चुका है. 4 times दिस हैज बीन रिपीटेड. 19th का आंसर बताएंगे, लिख के बताएंगे बेटा. 19th का क्या है? 1 है, 19th का 2 है, 19th का 3 है. मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए. एक्टिव यानी कि तुम सोच रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम लर्न कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे मल्टीटास्क है. अब इसकी रिविजन नहीं होगी, ना तुम कर पाओगे ना कोई कर पाएगा, इसकी रिविजन नहीं हो पाएगी. हाँ जी, ठीक आंसर देंगे, गलत आंसर नहीं देंगे. यस, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी पाइनस.
पाइरेनॉइड्स आर मेड अप ऑफ, पाइरेनॉइड्स किसके बने हुए हैं बताएंगे? यस, कोर ऑफ स्टार्स सराउंडेड बाय शीथ ऑफ प्रोटीन, ठीक है, कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय फैटी शीथ, प्रोटीनेशन सेंटर एंड स्टार्ची शीथ, कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन. यस, प्लीज गिव द राइट आंसर. यस बेटा, आज हम कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, है ना? आप सामने देख रहे हो, मैंने लिखा हुआ ये क्वेश्चन कितनी कितनी बारी रिपीट हो चुके हैं. इन्हीं में से क्वेश्चन बेटा फॉर्म चेंज होके आएंगे. आज का पूरा सेशन लगाइए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी साथ में इंक्लूडेड है वो लगाइए. मैं आपको गारंटी दे रही हूँ बेटा, यहाँ से आपका 40-50% बायो का पेपर आ जाएगा. यस, बायो का पेपर बेटा यहीं से आ जाएगा. बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो. तो फटाफट से यार सेशन को लाइक हो जाए कि ना हो जाए? लाइक नहीं बनेगा. यहाँ पर इतनी एनर्जी है मेरी इस पूरी क्लास में, तो जितने बच्चे हैं, ये 5000 बच्चे पूरे के पूरे फटाफट से लाइक करें. हाँ जी, गेमिटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन, किस में डोमिनेंट है बेटा? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म. देखो यहाँ तो इन्होंने पूरा डिवीजन बता दिया, हो सकता है तुमको सिर्फ ये लिखे टेरिस, रिक्सिया, रोज, पाइनस, सिर्फ ये भी लिख सकते हैं. यस yes? कितनी बारी रेपिटेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स अगेन. आप देख रहे हो यार, 5 बारी क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब. दीज आर द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ द एग्जामिनर, जिससे वो सवाल बनाना चाहते हैं, जिससे बेटा वो सवाल बनाना चाहते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर रिक्सिया. अब मुझे फास्ट आंसर चाहिए. एंडोस्पर्म ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज, एनजीओ नहीं है, जिम्नो की बात हो रही है. एंडोस्पर्म ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज ट्रिप्लॉयड, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड. 1, 2, 3 टाइम्स दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड. और मैंने इस क्वेश्चन को और भी बहुत बारी देखा है दूसरे फॉर्म में, कि ट्रू फॉल्स वाली फॉर्म में, करेक्ट इनकरेक्ट वाली फॉर्म में. यस गाइज, कम ऑन, ये जो बच्चा जाएगा ट्रिप्लॉयड के साथ वो बच्चा क्लास में मेरी बैठेगा नहीं. बिल्कुल सही है बेटा, करेक्ट आंसर है आपका हैप्लॉयड, है ना? नेक्स्ट आ जाओ. केनॉल सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, केनॉल सिस्टम दो सिस्टम बताए थे, वाटर केनॉल सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम. जो आपका वाटर केनॉल सिस्टम है बेटा, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हां जी, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्ज. मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी. ट्रिक क्या बताई थी? वाटर केनॉल और वाटर वास्कुलर में एबीसीडी, चलो सी पहले आता है, वी पहले आता है. सी पहले आता है तो इसको पहले वाले फाइलम में डाल दो, पॉरीफेरा. वी बाद में आता है तो इसको लास्ट वाले, मतलब इकाइनो डर्मेटा में डाल दो, ठीक है? क्योंकि दोनों का बेस्ट सिस्टम है जो कंफ्यूज करते हैं. तकरीबन 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. एनिमल ग्रुप विद स्यूडो सिलोम, मतलब इसकी तो कहने ही नहीं है, स्यूडो सिलोम के बेटा कहने ही नहीं है, क्योंकि ये स्यूडो सिलोम सबसे ज्यादा पूछा जाता है. इकाइनोडर्म्स, मोलस्का, असेक हेलमिंथेस या फिर एनिलिडा. गिन लो कितनी बार आया, तुम आंसर दो. 1, 2, 3, 4, 5 इज द थिंग, जितनी बारी बेटा ये सवाल आपका रिपीट हो रहा है. 23 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका असेक हेलमिंथीज और नेमेटोड. एस्कैरिस वाला फाइलम, कौन सा? एस्कैरिस वाला फाइलम. नेक्स्ट आ जाइए, हाइड्रा इज, ऐसा भी पूछा गया है. हाइड्रा के नाम से पूछा गया है 3 बारी, फिर बेटा सीलेंट्रेटा के नाम से पूछा गया 1 बारी. तो हाइड्रा और सीलेंट्रेटा जनरली इंक्लूड्स क्या कैरेक्टर है? ये 4 कैरेक्टर तुम्हें दिए हुए हैं, इन चारों में से तुम्हारे कौन से कैरेक्टर हैं हाइड्रा में, जरा बताएंगे? ट्रिप्लो, ट्रिप्लो, डिप्लो, डिप्लो. सबसे पहले तो ट्रिप्लो वाले हटा दो, क्योंकि ये कैसा फाइलम है? ये एक डिप्लोब्लास्टिक फाइलम है. अब रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री. सिलोम तो बेटा इंट्रोड्यूस ही कहां होती है, सिलोम की तो बात ही नहीं कर सकते, डिप्लोब्लास्टिक है. मेसोडर्म तो है ही नहीं, तो काय के सिलोम, तो काय के सिलोम. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 is going to be the right answer. Next आ जाओ. Absence of the excretory organ, great power of regeneration and exclusively marine animals. Exclusively marine वाले 2-3 ही है. दूसरा कह रहे हैं regenerate भी कर सकते हैं. तीसरा कह रहे हैं excretory organ के नाम का कुछ है नहीं. ये तीनों लाइनें एनसीईआरटी की हैं. ये तीनों लाइनें एनसीईआरटी की हैं. एंड ये है आपका, सोच लिया. यस, ये है बेटा आपका इकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स. कुछ नहीं होता एक्सक्रीशन के लिए, बड़ा बड़ा करके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है? ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, स्टारफिश की एक आम काट दोगे दोबारा बना लेगी. स्टारफिश को क्या है, वो दोबारा बना लेगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6 बारी इकाइनो पे सवाल आ चुका है, ठीक है? नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल कॉकरोचेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली थ्रू, बाहर से देखकर कैसे बताएंगे? देखिए सबसे पहली चीज, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है. मेल जो है, मैंने तुम्हें बताया था, ओहो स्पेलिंग गलत हो गया यार, थोड़े से स्पेलिंग गलत हो गए यहाँ पर. ये स्टाइल है यार, दिस इज स्टाइल,
जो अपना मेल होता है ना वो बड़े स्टाइल मारता है, क्या करता है, स्टाइल मारता है. तो मेल के पास एनल स्टाइल होता है, फीमेल के पास एनल स्टाइल नहीं होता है. सरकाए दोनों के पास होते हैं, ठीक है, सरकाए दोनों के पास होते हैं. नेक्स्ट, यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट बताएंगे. यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट, ओके, टू पेयर ऑफ विंग्स, कंपाउंड आइज, थ्री पेयर ऑफ लेग्स, बोथ बी एंड सी. यस, थोड़ा सा इंसेक्ट अगर नहीं समझ आ रहा तो कॉकरोच के हिसाब से देख सकते हो, कॉकरोच में कौन से कैरेक्टर्स हैं. यूनिवर्सल कैरेक्टर बेटा आपसे पूछा गया जो सब में होता है, वो कौन से बेटा, कंपाउंड आइज और थ्री पेयर ऑफ लेग्स सब में होते हैं. नेक्स्ट, ट्यूब फीट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ट्यूब फीट गाइज, ट्यूब फीट, ट्यूब फीट किसका पार्ट है याद करो. ये ऐसा सा फोटो बनी हुई है यार, कोई है ना, एक ऐसी मैंने फोटो दिखाई है तुमको, ऐसे ऐसे रेडियल सा स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पे लैटरल इस तरीके से, याद आया, क्या याद आया, ये वाटर वास्कुलर सिस्टम है, ये वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंत में प्रेजेंट होता है ट्यूब फीट. और ये किसका कैरेक्टर है, स्टार फिश का कैरेक्टर है, ठीक है, किसका कैरेक्टर है, स्टार फिश. अगला सवाल जो कि 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है, 5 to 6 टाइम्स बेटा रिपीट हो चुका है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ मैमिलियन बॉडी. यूनिक, यूनिक फीचर बेटा कौन सा है, यूनिक हम वो बोलेंगे जो किसी में नहीं होता, ठीक है, यूनिक हम वो बोलेंगे जो किसी में नहीं होता. जैसे फोर चेंबर्ड हार्ट, बेटा फोर चेंबर्ड हार्ट किस में होता है, यस, फोर चेंबर्ड जो आपका हार्ट है ये एब्स में भी होता है, ये हमारे में भी होता है, ठीक है. रिब केज, होमियोथर्मी, होम्योथर्मी बेटा एब्स में भी है, हम में भी है, ठीक है. कौन सी चीज सिर्फ हम में है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, यस, दैट इज गोइंग टू बी द प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरोफिटिक प्लांट इन विच स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लेयर ग्रीन एंड सक्यूलेंट स्ट्रक्चर, बताइए जीरोफिटिक प्लांट इसमें से कौन सा है, या फाइलोक्लेड इज फाउंड इन. दो तरीकों से पूछा जा चुका है, कम से कम 4 बारी पेपर में आ चुका है, कम ऑन कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 30, जीरोफिटिक, जीरोफिटिक वो होते हैं बेटा जो राजस्थान या फिर आप बोल सकते हो डेजर्ट में पाए जाते हैं. कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं. तो डेजर्ट अपना ओपंचिया कैक्टस, ठीक है जी. अब आ जाइए न्यूमेटोफोर्स पे. न्यूमेटोफोर्स और द ब्रीदिंग रूट्स अकर इन, किस में प्रेजेंट होती है न्यूमेटोफोर्स या फिर ब्रीदिंग रूट्स, जिसमें रूट्स को बाहर आना पड़ रहा है सांस लेने के लिए. क्यों, क्योंकि नीचे बहुत ही दलदल टाइप का है, बहुत गीला स्वैम्पी एरिया है. तो स्वैम्पी एरिया किस में होता है, हाइड्रोफाइट्स, एपिफाइट्स, जीरोफाइट्स और मैंग्रोव प्लांट्स, किस में प्रेजेंट होता है बेटा, कम ऑन माई डियर किड्स, यस इट इज प्रेजेंट इन, कौन बताएगा, कौन बताएगा, ये 31 का 1 कह रहे हैं, पानी के अंदर मतलब न्यूमेटोफोर्स, पानी से बाहर निकलेंगे, गलत जवाब. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी मैंग्रोव प्लांट्स, किसमें होगा, मैंग्रोव प्लांट्स. बहुत बारी रिपीट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट, एंड दैट टू इन सीबीएसई पीएमटी. सीबीएसई पीएमटी बेटा पहले के जमाने का नीट था, नीट को ऑल इंडिया पीएमटी या सीबीएसई पीएमटी बोलते थे, क्योंकि पहले नीट सीबीएसई कराता था, आज के टाइम पे नीट एनटीए कराता है, ठीक है. ओके, स्टेम मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस फंक्शन अपीयरिंग लाइक लीव्स इज नोन एज, हाँ जी क्या बोलेंगे, या फिर लीव्स आर चेंज इनटू स्पाइन इन जीरोफिटिक स्ट्रक्चर व्हिच आर कॉल्ड एज, यस बेटा बता दो फटाफट से. 32 का आंसर फाइलोड, फाइलोक्लेड, क्लेडोड और टेंड्रिल्स. बेटा ऐसे लिख के बताइए प्लीज, 32 का क्या है, 33 का क्या, ऐसे मैं जज नहीं कर पा रही हूं कि तुम कहां गलती कर रहे हो. प्लीज हेल्प मी जज यू, प्लीज हेल्प मी जज यू. बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर यहां पर क्या आ जाएगा आपका, फाइलोक्लेड. नेक्स्ट, फाइलोड लिखा था यार पहला, ध्यान से पढ़ना एक एक क्वेश्चन को, तुम लोग बहुत फोकस से ध्यान से पढ़ेंगे. हाँ जी, एग्रीगेट फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम, किससे बनते हैं यार एग्रीगेट फ्रूट्स, दे डेवलप फ्रॉम मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस, मल्टीकार्पिलरी ओवरी, मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस या मोनोकार्पिलरी ओवरी. एग्रीगेट फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम, कम तकरीबन बेटा 4 बार ये सवाल आ चुका है, 33 कैसी ओवरी से बनेगा, 33 का आंसर बताएंगे, 33 है बेटा ये, दिस इज 33. यस यस, सेशन को लाइक करना बेटा बनता ही बनता है. इस समय जितने बच्चे ये फायदा उठा रहे हैं, आई रियली वॉन्ट एज अ मोटिवेशन टू द सेशन
to the hard work which is put in the session in searching all these PYQs and finding out the right trend. फटाफट से यार session को क्या कर दो, like कर दो, क्योंकि answer तुम दे रहे हो गलत. इसका answer है 1. कुछ बच्चों ने ठीक दिया है, 1 is the correct answer. ध्यान से पढ़ना था. हाँ जी, the special type of inflorescence found in ficus where female flowers are at the bottom, male flower near the osteole, enclosed within a cup-shaped fleshy thalamus, receptacle with osteole is called as. क्या बोलोगे उसको? हाँ जी, क्या बोलेंगे? 34 का जो आंसर गलत होता जाता है, इट्स ओके, अपना नंबर नोट कर लो, मैं तुम्हारे साथ टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर करूंगी. सिर्फ उस टॉपिक को तुमको आज रात को देखना है और कुछ नहीं देखना है. कीप ऑन नोटिंग डाउन द नंबर. फॉर एग्जाम्पल आपका 33 गलत हुआ, बस नंबर लिख लो. जैसे ही पीडीएफ आएगी, अभी क्लास के तुरंत बाद आ जाएगी, पीडीएफ से बस तुम्हें मैच करना है कि ये 33 वाला पोर्शन कौन से वाले टॉपिक है. टॉपिक पता चल गया, उस टॉपिक को एनसीईआरटी से दोबारा जाकर आप रिवाइज करेंगे. ठीक है, दोबारा जाकर रिवाइज करेंगे. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. हाँ जी, टेट्राडायनेमस कंडीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. किसका कैरेक्टरिस्टिक है? बड़ी बारी आ चुका है यार, 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. हाँ जी, टेट्राडायनेमस कंडीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिलिएशिये, क्रूसीफेरिये, मालवेसिये या फिर सोलनेशिये फैमिली. टेट्राडायनेमस, यस यस यस, 35. कम ऑन, मार्क करेंगे जो गलत करोगे. जो चीज गलत करोगे बेटा वो उसी टाइम मार्क हो जानी चाहिए. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर टू. टू इज द राइट आंसर. हाँ जी, कॉन्जॉइंट कोलैटरल एंड क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन. किस में पाया जाता है बेटा ये क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल? सब बच्चे देख के बताएंगे. यस, हाँ जी, करेक्ट आंसर बेटा, दैट इज फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम. हाँ जी, द ओनली प्लांट सेल विदाउट न्यूक्लियाई अमंग द फॉलोइंग. जिसके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता भैया. यस, कौन से सेल्स हैं वो? कैम्बियम सेल्स हैं, पेरिसाइकल के सेल्स हैं, पैरेन्काइमा के सेल्स हैं या फिर सीव ट्यूब के सेल्स हैं. टिश्यू इज लिविंग बट डज नॉट पोजेस न्यूक्लियस. तुम्हें पता है एनिमल की बात की जाए तो न्यूक्लियस किस में नहीं होता? कौन से मेच्योर सेल्स में नहीं होता? आपके आरबीसी में नहीं होता. ये प्लांट की बात कर रहे हैं. प्लांट में जो सीव ट्यूब है वो भी अपना न्यूक्लियस को दे देता है कि यार मुझे जो है वो खाने को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना, और कंपेनियन सेल पे डिपेंडेंट हो जाएगा. ठीक है जी, यस, नेक्स्ट आ जाओ. कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद. वही बात आ गई यार, पिछले क्वेश्चन का आंसर मैंने, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने तुम्हें पिछले में दे दिया. ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू. ये बेटा दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 5 बार ही आ चुका है. यस, जो कंपेनियन सेल है बेटा वो किसके कंपेनियन है, वो किसके साथी है? वो सीव ट्यूब्स के, सीव एलिमेंट्स के साथी हैं, साथी हैं, साथी हैं. द सिलिएट कॉल्यूमनार एपिथेलियम इन ह्यूमंस इज नोन टू अकर इन. किस में होता है? सिलिएट कॉल्यूमनार एपिथेलियम इन ह्यूमंस इज नोन टू अकर इन 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स बेटा दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. सिलिएटेड है यानी कि कुछ ना कुछ मूव कराना है. दूसरा बेटा कॉल्यूमनार भी है. कैसा है? कॉल्यूमनार है. तो अपने को मूव ब्रोंक्योल्स में कराना है, म्यूकस है ना, आपका डस्ट पार्टिकल है, उनको मूव करा के नोज की तरफ भेजना है, और फेलोपियन ट्यूब में कराना है. तो 3 हो जाएगा राइट आंसर. मास सेल सिक्रीट द फॉलोइंग सब्सटेंस. मास सेल क्या सिक्रीट करते हैं? हेपरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड ऑल ऑफ द अबव. मास सेल बेटा दे आर पार्ट ऑफ एरियोलर टिश्यू, यू नो दैट. एंड दीज मास सेल दे सिक्रीट. देखो मास सेल टिश्यू में वही काम करता है जो ब्लड में आपके बेसोफिल करते हैं. यानी कि ब्लड से अगर टिश्यू, ब्लड से सेल अगर बाहर टिश्यू में आ जाए तो उसका नाम बदल जाता है मास सेल. ये तीनों काम करता है यार, ये तीनों चीजें रिलीज करता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट. द कैम्बियम विच प्रोवाइड प्रोड्यूसेस कॉक इज नोन एज. कौन सा कैम्बियम बेटा कॉक बनाता है? या द मेरिस्टम दैट इज पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट, दिस इज कॉल्ड एज. क्या बोलोगे बेटा उसको? फेलोडर्म, फेलोजन, पेरिब्लेम या फिर पेरिडर्म. 41 बेटा, कम ऑन, फाइंड आउट द राइट आंसर. फेलोडर्म, फेलोजन, पेरिब्लेम एंड पेरिडर्म. कम ऑन, कम ऑन. 41, yes, absolutely, the correct answer is going to be phellogen. The function of the villi in intestine is, intestine में villi का क्या काम है? ये किसको नहीं पता? 1, 2, 3, 4, 5, उनको लगता है हमें अभी भी नहीं पता है. Yes, function क्या है बेटा? To increase the surface area, for the purpose of absorption. Next one, the blood does not clot inside the blood vessels due to presence of.
किस वजह से बेटा ब्लड क्लॉट नहीं होता है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रॉम्बिन टू थ्रॉम्बिन इन एन अनडैमेज्ड ब्लड वेसल। यस, कौन इसके कन्वर्जन नहीं होने देगा, यानी कि कौन क्लॉट नहीं बनने देगा। इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखना, कौन कन्वर्जन नहीं होने देगा या फिर कौन क्लॉट नहीं बनने देगा। करेक्ट आंसर टू बेटा दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी हेपरिन। हेपरिन चाहता है कि क्लॉट ना बने, हेपरिन चाहता है कि तुम्हारा ब्लड लिक्विड स्टेट में ही रहे, समझे। करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट टू गाइज, फाइब्रिनोजन बन गया तो क्लॉट बन गया ना, हम चाहते हैं क्लॉट ना बने, है ना, हम क्या चाहते हैं बेटा, क्लॉट ना बने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर हो जाएगा यस। ओहो, मुझे मेरी आवाज आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें फटाफट से, कर रहे हैं। हाँ जी, निकल गया आंसर। जंक्शन बिटवीन द एक्सोन ऑफ द वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर, या द जंक्शन बिटवीन द टू नर्व फाइबर, इट इज सिंपली कॉल्ड एज। देखिए, एक तो अपना ये नर्व फाइबर है, दूसरा बेटा ये नर्व फाइबर है, इसके बीच के जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, साइनैप्स बोलते हैं। चलो, मैच द फॉलोइंग न्यूट्रो बेसो एसिडो मोनो लिम्फो, यानी कि पांच तरीके के आपको WBCs दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करना है यहाँ पर। यस, मैच द फॉलोइंग न्यूट्रो बेसो एसिडो मोनो एंड लिम्फोसाइट्स, मैच करो, मैच करो। न्यूट्रोफिल कौन है, सबसे ज्यादा अमाउंट में होते हैं, सबसे पहले कौन आते हैं बेटा आपके, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, तो मैं ढूंढ लूं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, बेसोफिल पे ये लगा दो सबसे पहले, तो बेटा बेसोफिल पे लगाओ, ये मैंने आपको अभी बताया है। हाँ जी, बी का वन एक में ही दिया हुआ है यार, जो मैम ने ढूंढा वो चीज एक में ही दी हुई थी। ए का थ्री है, हाँ जी थी थ्री है। सी का क्या है, फाइव एंटी एलर्जी के, बिल्कुल सही है। मोनोसाइट फैगोसिटिक होते, डी का फोर लिम्फोसाइट एंटीबॉडी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए सही स्टेटमेंट बेटा इनमें से कौन सी है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन्स मेक अप टू 60-70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विद अ पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। वैसे तो एक तो डायरेक्ट आंसर आ चुका है, डायरेक्ट आंसर बेटा आ चुका है। यस, पहला भी गलत है, पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं, पंप चलता है यार इनका, सोडियम पोटेशियम पंप, ये भी डेटा गलत है। हेड जो है वो बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं होता। ओनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है जी, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल इज एन अफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। इसमें से सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट पाथवे कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टाइम्स बेटा दिस टॉपिक हैज बिन रिपीटेड, 8 बारी ये क्वेश्चन तोड़ मड़ोड़ के दोबारा दोबारा आ चुका है। इस क्वेश्चन पे बहुत फोकस करें। या साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू अनदर, प्लाज्मोलेमा, प्लाज्मालेमा, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लास्टोकिनॉन्स, या फिर ER, बड़ा ही बेसिक आंसर है, दैट इज प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या है, डेस्मेटा। हु प्रपोज द सेल थ्योरी, सिंपल सवाल, पहले के जमाने में आता था, अब भी आ ही सकता है यार, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो सेल थ्योरी वॉज इनिशियली प्रपोज्ड बाय, यस, इनिशियली प्रपोज्ड बाय श्लिडन एंड श्वान, ठीक है, एंड श्लिडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी, उसको अपडेट किसने किया, उसमें एक पॉइंट किसने ऐड किया, रुडोल्फ वर्चाओ ने। नेक्स्ट आ जाइए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स मेनली ऑफ, किससे बनी हुई है यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बता दो, सिंगर एंड निकोलसन को देख के बता दो। यस, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ा ही सिंपल है, फास्ट अब आपकी अप्रोच होनी चाहिए। बायो में आपको सिर्फ कितने मिनट देने, 40 मिनट। टारगेट कितना है बेटा, बायो में 100 सवाल आएंगे, कितने, 100 सवाल, अगर मैं सेक्शन बी को मिला दूं तो टारगेट है बेटा आपका, आपको सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 मिनट में अपने बायो को निपटा डालना है सबसे पहले। तो ये कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना, बस यही सही है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती, बीच बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ओके, F1 पार्टिकल ऑक्सीजोम एलिमेंट्री पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे मिलते हैं F1 पार्टिकल, या फिर इनको टेनिस रैकेट टाइप पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडेज ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो ER
क्लोरोप्लास्ट, माइटो या फिर गोल्जी? भैया ये गोल्जी की अंदर वाली मेम्ब्रेन यानी कि क्रिस्टे पे और प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, माइटो। देन ऑर्गेनली हुज मेजर फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तुम देख रहे हो 5-6 बार रिपीट हो चुका है। हुज मेजर फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या फिर एसिड हाइड्रोलेज इज फाउंड इन? बताओ, कम ऑन, फटाफट से बता दीजिए। देखिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में, क्योंकि लाइसोसोम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डाइजेशन करना बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ द लिपिड सिंथेसिस? लिपिड कहां पर बनेंगे, आरईआर, एसईआर, गोल्जी या राइबो? देखो आरईआर के ऊपर राइबोसोम होते हैं, तो इसका काम है प्रोटीन बनाना, ठीक है। लिपिड बनाने का काम किसको दे दिया, एसईआर को दे दिया। डिटॉक्सिफिकेशन का काम किसको दे दिया, एसईआर को दे दिया। आपके स्टेरॉइड्स बनाने का काम किसको दे दिया, एसईआर को। सेक्स हार्मोन कौन बनाएगा, एसईआर। तो एसईआर बड़ा काम का आदमी है वैसे। नेक्स्ट, ऑर्गेनली विच आर रिगार्डेड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। बस मैंने इतना सवाल पढ़ा और मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं। या फिर इसको ऐसे पूछा जा सकता है, 2017 लेटेस्ट है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड टू फॉर्म एटीपी? डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, अब इनडायरेक्ट पूछ रही है कि एटीपी बनाएंगे। एटीपी बनाएंगे तो बेटा पावर हाउस ही हुए ना, बिजली आएगी, यहाँ से बिजली आएगी तो घर चलेगा। तो ये घर कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो अलग अलग तरीके से इस सवाल को पूछा गया, अलग अलग तरीके से, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली? 2012 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली लैक्स डीएनए एंड द बाउंड मटेरियल? मतलब जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, 1-2-3 बार ही पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, ऑल आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एक्सेप्ट? बात तो एक ही है ना, है ना, तीनों क्वेश्चन पूछोगे आंसर तो एक ही आएगा ना। तो ऐसे मरोड़ते हैं बेटा क्वेश्चन को। तुम बोलते हो पीवाई क्यों रिपीट नहीं होते, ये क्या है तुम्हारे सामने, ये पीवाई क्यों को रिपीट करने का तरीका है इनका। क्वेश्चन चेंज, आंसर वही, आंसर वही यानी कि कॉन्सेप्ट वही, कॉन्सेप्ट वही यानी कि एग्जामिनर को बड़ा पसंद है इसके बारे में पूछना। और ये कौन है बेटा आपका, नन अदर देन द राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनली है, उसके अंदर है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनली है, उसके अंदर है, ठीक है जी। और उनमें मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, टोनोप्लास्ट क्या है, टोनोप्लास्ट क्या है? कवरिंग लेयर ऑफ गोल्जी, कवरिंग लेयर ऑफ वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट? ये सबको पता है, ये मेरे बच्चे कोई भी गलत नहीं करेगा। दिस इज द कवरिंग लेयर ऑफ वैक्यूल। किसका है बेटा, कवरिंग लेयर ऑफ वैक्यूल। अब फिर से तोड़ मड़ोड़ रहे हैं क्वेश्चन को, देख लेते हैं। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? भाषा एक, फॉर्मेशन अनेक, है ना। प्रोटीन फैक्ट्री कौन रहेगा बेटा आपका, राइबोसोम। लेकिन अगर पूछ लेते राइबोसोमल फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम्स कौन बनाता है, तो राइबोसोमल फैक्ट्री है आपकी न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। डेंस डीएनए इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। वहां जाके आपके राइबोसोम्स बनते हैं। आगे राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, आपका प्रोटीन बनाते हैं, ओके जी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थाइमिन? बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स दिस हैज बीन आस्क्ड। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थाइमिन? कोई गलत नहीं करेगा, हमारे आरएनए में थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन, ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में भी सवाल आया हुआ है 2010 में, 2012 में, 2016 में। दिस डायग्राम, ये डायग्राम देख के पहचान जाओ, बायोमोलिक्यूल का डायग्राम है, केमिस्ट्री में भी है शायद। और बेटा ये डायग्राम एंजाइम्स का डायग्राम है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे ए बी सी डी। चलो जी निकालो, थोड़ा सा बड़ा है, देख लो, मैं इधर हो जाती हूँ। यस, देख लिया माय डियर किडोज, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है बेटा। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ये जो ऊपर वाली स्टेज है ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेज। आप एक से ही निकाल सकते थे, अगर आपने ए निकाल लिया होता। ये देखो ये कौन सी स्टेज होती है, ट्रांजिशन स्टेज। ये बेटा बिना एंजाइम के रिएक्शन हो रही है, एंजाइम आया, उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया और रिएक्शन कर दिया। तो एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट वन, एन
elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm which helps in the maintenance of the cell shape. Batao ji. साइटोप्लाज्म के अंदर एक फिलामेंटस प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो कि सेल की शेप को मेंटेन करता है. क्या करता है? सेल की शेप को मेंटेन करता है. दैट माय डियर किड्स इज कॉल्ड अ साइटोस्केलेटन. क्या बोलोगे? साइटोस्केलेटन. चलो जी, दो तरीके से बेटा इस सवाल को पूछा जा चुका है और एक बार ही नहीं, बहुत बार. ये तो यार बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This question has been repeated 10 times. 10 times. ये concept देख के जाना. अगर कोई भी ऐसा जिसने नहीं revise किया, इस concept को जरूर देख के जाना. Yes. ये जो equator पे डालने वाला है, do look at this. हाँ जी. The best age to count the number of chromosomes. Number of chromosome count करना. या फिर किस stage में they are arranged around equator. यानी कि मेटाफेजिक प्लेट में कब होते हैं? मैंने वैसे आंसर ही बोल दिया. द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स इज मेटाफेज. तुम समझ रहे हो किस फेज में क्या देख सकते हो? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉपिक में था, टॉपिक रिपीट होएगा, सेम सवाल कम चांसेस होते हैं. 10 टाइम्स रिपीटेशन था उसका. देन द प्रोफेज ऑफ द रिडक्शनल डिविजन इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ स्टेजेस. करेक्ट क्रोनोलॉजी बता दो, तुमको पता है क्रोनोलॉजी क्या कहती है. एल जेड पी डी डी. तुमने तो अलग अलग टाइप के बना रखे हैं यार निमोनिक्स. मुझे निमोनिक्स की जरूरत नहीं है. दैट इज एल जेड पी डी डी विच इज गिवन इन ओनली ऑप्शन नंबर 4. लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसेस. है ना जी. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज. रिकॉम्बिनेज ने क्या करना है? क्रॉसिंग ओवर करनी है. क्रॉसिंग ओवर किस सिचुएशन में होती है? मेटाफेज 1, एनाफेज 2, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2. यस, क्रॉसिंग ओवर बेटा आपकी होगी. क्रॉसिंग ओवर बेटा कब होगी? दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन पैकेटिन. यस, प्रोफेज 1 में होती है क्रॉसिंग ओवर, पैकेटिन में. नेक्स्ट वन, द होमोलोगस क्रोमोजोम फॉलो द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस. द स्टेज ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम टेक्स प्लेस इन. एक बार ये ऐसे पूछा गया. दूसरी बार देखो, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. किस स्टेज में बेटा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है? लेप्टोटीन, जायगोटीन, डिप्लोटीन या फिर पैकेटीन? कम ऑन बेटा, खत्म होने वाले हैं आपके ये वाले. इसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं. हारना नहीं है, हम जीत के निकलेंगे. ये नीट 2022 सीप मैम के बच्चों का है और हमेशा रहेगा. यस, इस साल बेटा तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित है. ओके, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? बिल्कुल सही है बेटा, करेक्ट आंसर इज जायगोटीन. कब बनता है? जायगोटीन में. कियाज मेटा, बेटा सबसे ज्यादा तो रिपीट जो क्वेश्चन हुआ है मैं देख रही हूँ आपके सेल वाले यूनिट में से हुए हैं. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल डिवीजन. सेल डिवीजन पे तो लाइनें लगा दी यार इन्होंने रेपिटेशन में. कियाज मेटा फॉर्मेशन किस वक्त होगी? कियाज मेटा की फॉर्मेशन प्रोफेज 1 में, मेटाफेज 1 में, एनाफेज 1 में या फिर टीलोफेज 1 में? कियाज मेटा फॉर्मेशन, यस बिल्कुल सही है बेटा, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यूजुअली ग्रो इन सॉइल दैट आर डेफिशिएंट इन. पिचर प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट को क्यों इंसेक्ट खाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि बेटा उसकी सॉइल में किसकी कमी है? ये क्लास 7th का सवाल आ गया. किसकी कमी है? नाइट्रोजन की कमी है. किसकी? नाइट्रोजन की. नेक्स्ट वन, गट्टेशन इज कॉज ड्यू टू. गट्टेशन क्या होता है? जब पत्ती के मार्जिन्स में से, पत्ती यानी कि लीफ के मार्जिन्स में से द वॉटर इज कमिंग आउट एज अ ड्रॉपलेट. वैसे तो ट्रांसपिरेशन में वेपर बनते हैं बट अगर पानी बेटा एज अ ड्रॉपलेट्स आने लग जाए दैट इज कॉल्ड एज गट्टेशन. एंड गट्टेशन इज कॉज ड्यू टू इम्बाइबिशन, ऑस्मोसिस, पॉजिटिव रूट प्रेशर या फिर ट्रांसपिरेशन पुल. बता दो, बता दो बेटा. पानी उस फॉर्म में तभी निकलेगा जब बाहर बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत ह्यूमिडिटी है और रूट प्रेशर इतना ज़्यादा, इतना पानी भर लिया है, निकल पा नहीं रहा है क्योंकि बाहर वेपर है. तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पॉजिटिव रूट प्रेशर. कितनी बार आया? 5 बार सवाल आ चुका है बेटा, 5 टाइम्स. नेक्स्ट वन, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर द एसेंट ऑफ सैप इन अ ट्री इज. मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन. कैपिलरी, कैपिलैरिटी, रोल ऑफ, दिस इज रोल गाइस समझ लेना, रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पल्सेटिंग एक्शन ऑफ द लिविंग सेल, ट्रांसपिरेशन कोहेजन थ्योरी ऑफ डिक्सन. बता दो. एसेंट ऑफ सैप, पानी ऊपर भेजना है बेटा. पानी ऊपर भेजने के लिए ना सक्शन चाहिए.
वो सक्शन क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो ये बेटा जो सक्शन क्रिएट हो रहा है दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, और वो जो सक्शन आता है वो आता है ट्रांसपिरेशन कोहेजन थ्योरी में. नेक्स्ट आ जाओ, मैंगनीज एंड क्लोरीन, इंपॉर्टेंट है ना ये चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन. कितनी बारी, 1 2 3 4, 4 टाइम्स रेपिटेशन, सेम मैंगनीज एंड क्लोरीन. बेटा मिनरल न्यूट्रिशन में कुछ याद नहीं हो रहा तो इन दोनों को याद जरूर कर लेना. मैंगनीज अकेला भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सोल्युटली फोटोलिसिस ऑफ वॉटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस वॉज इनन्सिएटेड बाय, किसने बोला बेटा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस? ब्लैकमैन, हिल्स, रूबेन, कालमैन. यस, कौन बताएगा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर? बता रहे, ये तो याद होना चाहिए. हाँ जी, किसने दिया था? एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे. वो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट कौन थे? निकाल लिया, ब्लैकमैन थे. बिल्कुल सही है. डीएनए रेप्लिकेशन, फिर से सेल साइकिल. सेल साइकिल के सवाल बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं. यही अकेले कर जाओगे बेटा बात बन जाएगी, यहीं से सवाल उठ के आ जाएगा. ओके, डीएनए रेप्लिकेशन और डिविजन टेक्स प्लेस इन, या डीएनए मॉलिक्यूल ईच क्रोमोसोम बिकम्स डबल इन विच फेज? G1S G2M. डीएनए जो आपका डबल हो रहा है वो कब हो रहा है? डीएनए डबल हो रहा है बेटा आपका एस फेज में. किस फेज में बेटा डीएनए डबल हो रहा है? दैट इज गोइंग टू बी एस फेज. ठीक है जी, क्लियर एवरीवन? एवरीवन, ये थे बेटा आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. अब चालू होने ये थे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, और अब बेटा ब्रह्मास्त्र असली तो अब आएगा. ठीक है, जो ब्रह्मास्त्र है बेटा असली तो वो अब आएगा, क्योंकि ये है असली ब्रह्मास्त्र जिसमें से आएंगे तुम्हारे क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. क्या लगता है बेटा अगले एक घंटे में हम 200 क्वेश्चन निपटा सकते हैं? एक नहीं तो सवा घंटे में निपटा के दिखाएंगे. ये 180 क्वेश्चन बेटा अगर आपने कर लिए, 40-50% पेपर यहां से आने वाला है. इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो यहां दिए हुए हैं. तो आर यू रेडी गाइज? एक बार मुझे बता दो, पानी पी लो फटाफट से, सेशन को लाइक कर दो एंड पानी पी लो, एनर्जी ले लो, क्योंकि ये एनर्जी कल परसों तक हमारी कम नहीं होगी. जो सोना मोना है, जो रोना धोना है, वो सब हम कर लेंगे पेपर के बाद. कब कर लेंगे बेटा? पेपर के बाद. यस, चलो रेडी, सेशन को लाइक तो बनता है कि नहीं बनता है? आर यू रेडी गाइज? आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. पहला सवाल आपके पास आ रहा है, उड़ता हुआ आ रहा है. कैसे आ रहा है बेटा? उड़ता हुआ आ रहा है. दिखा दूं? चलिए शुरू कर रहे हैं, पीछे से शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम पेपर ना पीछे से शुरू करते हो. आई नो एवरी वन स्टार्ट देयर पेपर फ्रॉम द लास्ट. वाई? बिकॉज लास्ट में होती है जूलॉजी, फिर नंबर आता है बॉटनी का, फिर आता है केमिस्ट्री का. मतलब 90% का कोशिश यही होता है, 90% का कोशिश बेटा यही होता है. नहीं बेटा, कोई डरने की बात नहीं है, तुम्हें डरने की बात नहीं है. तुम ये सोच के कभी मत घबराना, ये सोच के बेटा कभी मत घबराना कि क्या होगा. ठीक है, जो भी होगा, जिसको लग रहा है कि यार नहीं पढ़ा है, भूल गए हैं, नहीं अच्छा कर पाए, या सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, एक और ड्रॉप लेना पड़ा तो यार मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसे थॉट्स आते हैं माइंड में, है ना? इस टाइप के थॉट्स आते हैं कि यार नहीं कर पाए तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मेरी तो लाइफ में और कुछ है ही नहीं, मुझे तो डॉक्टर ही बनना था और इसी साल बनना था, मेरा दूसरा ड्रॉप हो गया, मेरा तीसरा ड्रॉप चल रहा है. कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पांचवा ड्रॉप चल रहा है, वो किसी ना किसी वजह से हर साल रह जा रहे हैं. तो यार मैं आप सबको बस एक ही चीज कहना चाहूंगी, ठीक है, एक ही चीज कहना चाहूंगी. यस, ये आपकी जिंदगी का सिर्फ एक एग्जाम है बेटा. क्या है? सिर्फ एक एग्जाम है. अभी तो कई जीत बाकी हैं, अभी तो बेटा कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है कि नहीं? ये क्या कर रहे हो? चैट सेक्शन में 2-2-2 चल रहा है.
छोड़ दूं, मत बताऊं, चलो ठीक है, मत नहीं बताती, अभी आगे की दो लाइनें तो मेन थी, वो तुमने मुझे बोलने नहीं दी, चलो ठीक है यार, तुम्हें क्वेश्चन नहीं करना, मैं क्वेश्चन करा देती हूँ, अब नहीं बताऊंगी, यस कैंसल 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 गाइज कैंसल, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। इनकरेक्ट क्या है, इंसेमिनेशन होता है स्पर्म का ट्रांसफर होना इनटू फीमेल ट्रैक्ट, मत बताऊ, बोलूं कि ना बोलूं, अब आगे बोलूं कि ना बोलूं, यस बता दूं, ये बेटा तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक एग्जाम है, चलो तुम इतना कह ही रहे हो, तुम इतना कह ही रहे हो, तो यार मैं तुमको बता देती हूं कि ये तुम्हारी जिंदगी का बेटा सिर्फ एक एग्जाम है। हो सकता है हम इस एग्जाम में जीत जाएं, जो हमें चाहिए था, हो सकता है बेटा किसी वजह से हार भी जाएं, लेकिन ये जिंदगी का सिर्फ एक एग्जाम है। अभी तो ऐसे कई एग्जाम बाकी हैं, अभी तो बेटा कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो पूरी जिंदगी का यार सार बाकी है, अभी तो यार पूरी जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये एक पन्ना था सिर्फ, यहां से चले हैं बेटा नई मंजिल के लिए, ये एक पन्ना था, अभी तो बेटा पूरी किताब बाकी है कि नहीं, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी बहुत कुछ देखना है तुमको, बहुत कुछ देखना है। यस वाह वाह वाह, हो जाए फटाफट से, हो जाए वाह वाह वाह। यस बेटा, पेरेंट्स समझते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा इस चीज को समझते हैं, लेकिन वो अगर आपको बोल देंगे कि यार कोई बात नहीं, नहीं भी करेगा तो चलेगा, तो तुम कैसे सीरियस होगे, समझ रहे हो, तुम कैसे सीरियस होगे, तो पेरेंट्स आपके अच्छे से जानते हैं, किसी वजह से नहीं हुआ, दे विल सपोर्ट यू गाइज, दे विल सपोर्ट यू, वो सिर्फ आपको ऐसी चीज इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे डोंट वॉन्ट यू टू फील लीनियंट, ठीक है। पेरेंट्स का इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव होता है, दे ऑलवेज वर्क इन फेवर विद यू, बेटा वो आपको लगता है कि आपके ऑपोजिट साइड पर खड़े हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपके पीछे खड़े होते हैं, आपको बैक करने के लिए, कि लाइफ में कभी भी तुम गिरोगे, किसी भी सिचुएशन में गिरे, जॉब चली गई, पेपर क्लियर नहीं हुआ, फेल हो गए, किसी भी सिचुएशन में बेटा दे आर ऑलवेज देयर, और जबकि बच्चे सोचते हैं वो सामने वाली साइड है, उल्टी साइड है, उल्टा नहीं है, आपके पीछे है, ठीक है। हाँ जी, 179 का आंसर दे दिए हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेल एक्सेसरी डक्ट, यस कौन सा स्ट्रक्चर बेटा मेल एक्सेसरी डक्ट में नहीं आता है, रीटर टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडाइमस, वास डेफरेंस, बेटा बीच में से एक डक्ट नहीं है, कौन डक्ट नहीं है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डक्ट नहीं होती, वो तो ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर होता है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डक्ट नहीं होती है, ओके। नेक्स्ट, इन ह्यूमन फीमेल्स बर्थ कैनॉल इज फॉर्म्ड बाय, दो चीजें बेटा बर्थ कैनॉल बनाती है, ठीक है, दो चीजें आपकी बर्थ कैनॉल बनाती है, कौन बनाती है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी यस यूट्रस एंड सर्विक्स, ओनली सर्विकल कैनॉल, यूट्रस सर्विक्स वजाइना, सर्विकल कैनॉल एंड वजाइना, दो चीज बनाती है, दैट इज सर्विकल कैनॉल एंड द वजाइना। नेक्स्ट आ जाइए, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, हाँ जी बेटा करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, चलो पढ़ लेते हैं वन बाय वन। इनहिमिन इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्स सेल, नर्स सेल कौन से होते हैं, सर्टोली सेल, नर्स सेल कौन से है बेटा जी, सर्टोली सेल इन टेस्टिस एंड मेनली इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ LH, LH का सिक्रीशन नहीं इनहिबिट करते, FSH का करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, बात तो गलत कह रहे हैं यार, फॉलिकुलर फेज तो 5 टू 14 वाला होता है, उसमें ये लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट, GnRH इज अ स्विच ऑन हार्मोन फॉर प्यूबर्टी इन बोथ मेल एंड फीमेल, बताओ GnRH क्या है, इज इट अ स्विच ऑन हार्मोन फॉर प्यूबर्टी, सही है, बिल्कुल सही है। इन नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, देखो HCG ही कॉर्पस ल्यूटियम की जिंदगी को बचाता है, क्योंकि LH तो धीरे धीरे कम हो रहा होता है, ठीक है, ये भी क्या है आपका ट्रू, तो करेक्ट आंसर माई डियर किड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले कौन सा इवेंट हो रहा है, गैमी ट्रांसफर, सिन गैमी, रिलीज ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी, एम्ब्रियोजेनेसिस, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बेटा आपका कौन सा है, हाँ जी फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट बनाएंगे, है ना, यानी कि पहले आना चाहिए गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट बनने के बाद बेटा गैमीट ट्रांसफर भी होते हैं, ठीक है, तो ये भी फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो रहा है, सिनगैमी बाद में हो रही है, सेकेंड पोलर बॉडी बाद में आ रही है, एम्ब्रियोजेनेसिस भी बाद में हो रही है। नेक्स्ट वन, एस्ट्रस साइकिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ऑल मैमल्स, ऑल प्राइमेट, ऑल मैमल्स एक्सेप्ट ह्यूमन फीमेल्स, या मेमेलियन फीमेल्स अदर देन प्राइमेट, देखिए जी जो प्राइमेट्स में होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है,
प्राइमेट्स को छोड़ के सारे नॉन प्राइमेट्स मैमल्स, नॉन प्राइमेट मैमल में क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल होता है. तो मैमिलियन फीमेल अदर देन प्राइमेट, फोर वुड बी द राइट आंसर. बड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डू नॉट, क्या नहीं करती है, इनहिबिट ओव्यूलेशन, अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ म्यूकस, पोजेसेस प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, प्रिवेंट द डेपोजिशन ऑफ द सीमेन इन द वजाइना. ओके, क्या नहीं करती है, ओसीपी. ओसीपी यानी कि हार्मोनल एक्शन, ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, मोड ऑफ एक्शन है ये बेटा, उसका मोड ऑफ एक्शन नहीं है सीमेन को डिपॉजिट करना वजाइना में, इट्स नॉट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ओसीपी. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड प्रॉपरली. अब तुम देख रहे हो एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि ये तीन डिजीजेस इनक्योरेबल है. तुमसे पूछा ही नहीं इनक्योरेबल क्या है, तुमसे यहां पर पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज क्योरेबल. तो तुम इनक्योरेबल वाले हटा दोगे, इनक्योरेबल वाले हटाओगे तो क्या आंसर है. देखो इसमें इनक्योरेबल वाले में हेपेटाइटिस आ गया तो ये नहीं हो सकता, ठीक है जी. यस, इसमें एचआईवी आ गया ये नहीं हो सकता, एड्स आ गया ये नहीं हो सकता, एक ही आंसर बच जाएगा. तो क्योरेबल वाली कौन सी हुई, ऑप्शन नंबर टू हुई ना. यस, बड़े चालू है बेटा एग्जामिनर. ओके, प्लेसेंटल वुल्फ एंड तस्मानियन वुल्फ विल रिप्रेजेंट, एवोल्यूशन का सवाल. ये जो प्लेसेंटल वुल्फ है ये किसका पार्ट है, एक अडैप्टिव रेडिएशन का पार्ट है. तस्मानियन वुल्फ भी अडैप्टिव रेडिएशन का पार्ट है जो ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी. जब दो अडैप्टिव रेडिएशन सिमिलर फिनोटाइप प्रोड्यूस करती हैं उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन. क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन. नेक्स्ट वन, फर्स्ट एवर मैमल लाइक मैमर वर लाइक डैश, they were dash and protected their unborn young inside the mother body. हाँ जी बताओ, first ever mammal किसकी तरह था, monkey जैसा था, platypus था, platypus था या shrews था. line दी हुई है NCERT में, ये line evolution की है, ध्यान से देख लो. first ever mammals were like, जिसने evolution की NCERT मेरे साथ पढ़ी है बेटा वो किस में थे, shrews में थे. first ever mammals were like shrews, ठीक है. अब एक में श्रूज दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका फोर. फोर इज द राइट आंसर गाइज, नॉट वन. मंकी नहीं है हर एक का सवाल, हर एक का सवाल गाइज मंकी नहीं है. ओके जी, नेक्स्ट आ जाइए. मैच द फॉलोइंग कॉलम वन एंड कॉलम टू, चूज द ऑप्शन विद ओनली करेक्ट मैच. मैच द कॉलम इज वन ऑफ द फेवरेट फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर दीज डेज दीज इयर्स, ठीक है. तो इसमें सबसे ज्यादा आ सकते हैं चार्ल्स डार्विन, वैलेस, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल. बता दो यार, चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था. हाँ जी, चार्ल्स डार्विन की तो शिप का क्या नाम है, HMS बीगल है ना, इसकी तो शिप आ रही है HMS बीगल, तो वो तो एक ही की है, इसमें दी हुई है तो बी का वन है, सही है. इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, बिस्टन बेटेल्यूरिया, हार्डी विनबर्ग, ये यस द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर थ्री. क्या आंसर दिया हुआ बेटा मेरा बच्चों, ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट वन. नेक्स्ट आ जाओ, मॉर्फिन इज अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मॉर्फिन ड्रग किससे मिलता है, लेटेक्स ऑफ पैपावर सोमनीफेरम, लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, फ्लावर्स ऑफ दतूरा, फ्रूट्स ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका. मॉर्फिन क्या है, ओपिएट नार्कोटिक्स है. क्या है, नेचुरल फॉर्म में ओपिएट नार्कोटिक्स है. अब ये जो ओपिएट नार्कोटिक्स है ये कहां से मिलते हैं, पॉपी प्लांट से. कहां से मिलते हैं बेटा, पॉपी से. और ये पॉपी कौन है, पॉपी है पैपावर सोमनी फेरम. कौन है बेटा पॉपी, पैपावर सोमनी फेरम. नेक्स्ट आ जाइए, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज कंसिस्ट ऑफ इज एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. तो पहले इम्यूनोग्लोबुलिन को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ऐसा वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, ये हैवी चेन है और ये तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, लाइट चेन है. अब ये जो एंटीजन जुड़ता है ये कहां पर जुड़ता है, एंटीजन ने बेटा इस साइड पे आगे जुड़ना है. कहां जुड़ना है, इस साइड पे आगे जुड़ना है. ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन है ये किससे बनी हुई है, यस गाइस किससे बनी हुई है, यहां पर कौन सा रीजन होता है बताएंगे, वेरिएबल रीजन ऑफ ओनली हैवी चेन, ओनली लाइट चेन या फिर बोथ. दोनों आएंगे ना, है कि नहीं बेटा, दोनों आएंगे. ये लाइट चेन भी आ रही है, हैवी चेन भी आ रही है. इधर आना था यार, तुम लोग मुझे छोड़ोगे नहीं, मैंने इधर वाली साइड बना दिया, दूसरी साइड पे आना था, ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट आ रहा हूं, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ डैश पैरासाइट इन द डैश ऑफ द ह्यूमंस विच कॉजेज अमीबियासिस. भैया कौन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, बैक्टीरिया है, राउंड वर्म है, प्रोटोजोआ है, कौन है, सबसे पहले तो ये पता लगाओ. सबसे पहले हमने पता लगाया ये कौन निकले, प्रोटोजोआ निकले, तो किसको अफेक्ट करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को या फिर स्टमक को.
बेटा ये अफेक्ट करते हैं तुम्हारी आंतड़ियों को, वो कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है ना. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन विद ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ध्यान दो बेटा, सवाल में तुमसे करेक्ट नहीं पूछ रहे, सवाल में तुमसे क्या पूछ रहे हैं? ओनली एंड ओनली इनकरेक्ट वन, गलत वाला बता दो, गलत वाला बता दो. हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग. ये तो मुझे ठीक लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये. ओके नेक्स्ट, कैंसर इज एन इन्फेक्शियस डिजीज एंड कंसिडर्ड एज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ. कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ बट इट इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज. एक बंदे को कैंसर है, दूसरे को होता नहीं है, ये गलत बात कह रहे हैं, फॉल्स है जी. पैथोजेंस कैन नॉट अडैप्ट, ये भी फॉल्स है, एनसीईआरटी की लाइन है. पैथोजेंस कैन अडैप्ट, होस्ट की बॉडी के अंदर बेटा वो अडैप्ट कर लेते हैं. इन्फेक्शियस डिजीज आर इजिली ट्रांसमिटेड, हाँ जी. तो गलत बात कौन सी है? गलत बात है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाओ, अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच मे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज. यस, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम, नाइट ब्लाइंडनेस समझ रहे हो, आंखों की प्रॉब्लम. देखो कितना सही तरीका है क्वेश्चन पूछने का, तुम क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो. नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि बेटा आईज की प्रॉब्लम, ठीक है. आईज की प्रॉब्लम ठीक होती है विटामिन ए से. विटामिन ए एनरिच्ड राइस कौन से हैं? विटामिन ए एनरिच्ड राइस है बेटा जी गोल्डन राइस, सोने वाले चावल है ना. दे आर विटामिन ए एनरिच्ड राइस जिसमें बीटा कैरोटीन का जीन हमने डाल रखा है. तो सवाल आया गोल्डन राइस क्या है, लेकिन पूछा कैसे है ना जी. चलो जी, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्योरिफाइड डीएनए इज अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर एडिशन ऑफ. कैसे होगा बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्योरिफाइड डीएनए को प्रेसिपिटेट कर रहे हो, याद है ऐसा सा बनाते हैं, उसके अंदर ऐसे डीएनए धागों में है, फिर उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या डालेंगे? ठंडी ठंडी. यस बेटा, ठंडी ठंडी बता दो. अब मैं इसका नाम नहीं लूंगी बेटा, ठंडी ठंडी वो नहीं, ठंडी ठंडी चिल्ड इथेनॉल. ओके, आजकल गर्मी का मौसम है, गोवा में ये सब चलता है, बट हमने नहीं चलाना है, हमने तो बेटा डीएनए आइसोलेट करना है उसको. गलत जगह नहीं, टेस्ट ट्यूब में जानी चाहिए, माउथ में नहीं जानी चाहिए. ओके, माउथ में तो नहीं चली गई गलती से. यस yes, हाँ ये बेटा मदीरे की बात हो रही है जो कि एक तुम्हारे लिवर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी है डीएनए के लिए, डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए बढ़िया चीज है बस. ओके ओके, डीनेचुरेशन अलीलिंग एक्सटेंशन, ये सवाल 2020 का और 2021 में तो बेटा 2 times आ चुका है. बॉटनी में भी आ गया था, जूलॉजी में भी आ गया, तो 2 बारी यही क्वेश्चन आ गया, अलग अलग तरीके से 2 बारी ये क्वेश्चन आ चुका है. डीनेचुरेशन अनिलिंग एक्सटेंशन एक ही पेपर में 2 बारी आ गया था, अलग तरीके से पूछा था, एक बार बॉटनी में पूछ लिया, एक बार जूलॉजी में पूछ लिया. यस, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, डी ए ई, दे आर द स्टेप्स ऑफ PCR. किसका स्टेप है बेटा जी? PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. चूज द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियल डिजीज इन एनिमल्स. एनिमल्स से बेटा ऑड वन आउट आपसे पूछा गया है, हाँ जी. एंथ्रेक्स बैक्टीरियल डिजीज, मेस्टाइटिस, रानीखेत या पुलोरम विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियल डिजीज. वायरल बता दो, कौन से बताओगे बेटा? दैट आंसर इज गोइंग टू बी यस, इट इज अ वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री. ये किसकी वायरल डिजीज है बेटा? चिक्स की, ठीक है, फाउल्स की, जो पोल्ट्री वाले बर्ड्स हैं उनकी. ये जो एंथ्रेक्स है और मेस्टाइटिस है, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज है कैटल के. ये जो पुलोरम है, ये बैक्टीरियल डिजीज है बेटा आपका पोल्ट्री का, और ये वायरल डिजीज है, ठीक है. तो ऑड वन आउट हुआ. नेक्स्ट आ जाओ, चूज द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ हॉर्मोन, इट्स सोर्स एंड इट्स फंक्शन. बताइए, हॉर्मोन है, सोर्स है और फंक्शन से आपको इसको क्या करना है? मैच करना है, मैच कर दो. करेक्ट पूछा. यस, सेशन को यार फटाफट से लाइक कर दो, आज आपका आखिरी सेशन है. थ्योरी सेशन, थ्योरी भी नहीं यार, क्वेश्चंस का सेशन. आज पूरा निचोड़ है बेटा बायो का. बायो में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो मैं तुम्हें करा रही हूँ यहाँ पर. मैंने अभी तुम्हें मोस्ट रिपीटेड कराया, मोस्ट एक्सपेक्टेड चल रहे हैं, चलते रहेंगे. कल बेटा, कल, अच्छा आज रात को, वैसे कल मैं तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, ना तुम पढ़ने के लिए इच्छुक होने चाहिए हो. अब बस छोड़ दो, आज के बाद बस है, भगवान पे भरोसा रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है. तुम पक्का विजयी होगे, विजयी भव है बेटा हम सब टीचर्स के द्वारा, हम सब टीचर्स के द्वारा, ठीक है जी. ओके, करेक्ट मैचिंग ढूंढ लिया 161 का.
ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस, गलत हो गया, सिंथेसिस प्रोलैक्टिन कराता है. कॉर्टिसोल एड्रीनल मेड्यूला, गलत हो गया, ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है. नेक्स्ट तुम्हारे पास आ जाएगा इंसुलिन आइलेट ऑफ लैंगर एनहांस, तो सेलर ऑप्टिक सही है. टेस्टोस्टेरोन थायमस से नहीं आता, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3. ये कौन है वन वाले बच्चों, ऑक्सीटोसिन मिल्क बनाता नहीं है, मिल्क इजेक्ट करता है. मिल्क बनाता कौन है? प्रोलैक्टिन. कौन बनाता है? प्रोलैक्टिन. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड और हेटरोक्राइन ग्लैंड. तुम्हें पता है तुम्हारी पूरी बॉडी में दो ही मिक्स्ड ग्लैंड है. पहला मिक्स्ड ग्लैंड है बेटा जी पैनक्रियास, दूसरा मिक्स्ड ग्लैंड है गोनैड्स. कौन से हैं? गोनैड्स, ठीक है, याद हो जाएगा. तो यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2. यस, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और देख लो कौन कहता है assertion reason नहीं आते. इस टाइप के assertion reason टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, ऑल पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन आर इन ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम बता दो कौन बनाता है. ब्रेन स्टेम 3 चीजें बनाती हैं. क्या सिखाया था? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला. MPM कौन बनाता है? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला. भैया सारे पार्ट्स थोड़ा हाइंड ब्रेन के आ जाते हैं. हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम भी तो है, वो तो ब्रेन स्टेम नहीं बना रहा. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी सरासर गलत. इन इनर ईयर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज सराउंडेड बाय एंडोलिम्फ. भैया ये मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेनस के अंदर एंडो है, लेकिन बेटा इसके बाहर तो पेरी है. सराउंडेड बाय, बाहर की साइड पे बोनी है, बोनी में पेरी है. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सरासर गलत. बी करेक्ट नहीं है बच्चों, तुम गलत कर रहे हो. ये तुम्हारा अंदर वाला मेम्ब्रेनस है, ये बोनी है, बोनी के अंदर पेरी है, उसके अंदर एंडो है, तो एंडो इज सराउंडेड बाय पेरी. यस, तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज सराउंडेड बाय पेरिलिम्फ, नॉट एंडोलिम्फ. ओके जी, यस. ओके, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पार्किंसंस डिजीज. किसके बारे में पूछ रहे हैं? पार्किंसंस के बारे में पूछ रहे हैं. हाँ जी, पार्किंसंस किसकी वजह से होती है? पार्किंसंस होती है, इनकरेक्ट पूछा है. कैरेक्टराइज बाय ट्रेमर्स, इसमें हाथ कांपते हैं बेटा. प्रोग्रेसिव रिजिडिटी ऑफ लिम्स, ट्रू. डीजनरेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स दैट आर इन्वॉल्वड इन रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट. न्यूरॉन्स विच डीजनरेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ डोपामीन, नॉट गाबा. ये गाबा वाला आंसर क्या है? बिल्कुल गलत है. दिस इज द रॉन्ग वन. 3 इज द रॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट अलाउ मेटाकार्पल ऑफ थंब. मैंने बोला था तुम्हें, मैंने बहुत बार ही बोला है, ये मेटाकार्पल जॉइंट्स में से सवाल आएगा, सबसे ज्यादा चांसेस है इसके. ठीक है, क्योंकि ये एक अकेला है, मतलब बाकी के जॉइंट्स में तो 2-3 एग्जाम्पल आती है, लेकिन इसमें एक ही एग्जाम्पल आती है, मेटाकार्पल ऑफ थंब एंड द कार्पल. ये जो जॉइंट है ये कौन सा है? ये है घोड़े वाला जॉइंट. याद कैसे रखेंगे? ये है घोड़े वाला जॉइंट, और घोड़े के ऊपर जो बैठने की सीट होती है वो होती है सैडल. तो ये कैसा जॉइंट हो जाएगा बेटा? सैडल जॉइंट. आ जाओ, इन ईच मारो मैरो के इन ईच मीरोमाइसियम LMM रिप्रेजेंट्स. बता दो आंसर. यस, कम ऑन बेटा, सवाल खत्म नहीं हुए हैं, अभी हमारी जीत बाकी है, हार बाकी है ना, अभी तो बेटा पूरी किताब बाकी है कि नहीं. चलो, मीरोमाइसियम LMM क्या है? मायोसिन का स्ट्रक्चर याद है सबको? यस, मायोसिन का स्ट्रक्चर याद है. तो अपना जो मायोसिन का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है. ठीक है, LLM क्या है? LMM क्या है? देखिए, ये लाइट मीरोमाइसिन है, ये हैवी है, तो ये है बेटा टेल पार्ट. क्या है बेटा LMM? दिस इज गोइंग टू बी द टेल पार्ट. ठीक है जी, यस, पता चल गया. हाँ जी, नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहां पे इनकरेक्ट बता दो. पहले स्टेटमेंट, न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग मिक्चुरेशन इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. बात तो सही है, ट्रू कर दो. CNS passes on the motor message to initiate the contraction of the voluntary muscle of the urinary bladder. बेटा यूरिनरी ब्लैडर की मसलों का, मसल का क्या नाम है? डेट्रूसर मसल. ये जो डेट्रूसर मसल है ये वॉलेंट्री नहीं है, ये जो डेट्रूसर मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री हैं. कैसी हैं बच्चों? इनवॉलेंट्री हैं. तो फॉल्स है ये. बाकी भी पढ़ लेते हैं पहले. स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर आफ्टर स्ट्रेचिंग विल सेंड द सिग्नल टू CNS. सही है. ह्यूमन विल एक्सक्रीट 1.5 लीटर ऑफ यूरिन. यस, दिस इज द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन. ठीक है, मुझे लगता है यार बेटा मैंने आपकी लाइफ्स में अगर कहीं भी टच किया है,
आपने मेरे से कुछ भी पढ़ाई की है यूट्यूब पे, प्लस पे, या क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने मेरे स्ट्रेटजी सेशन देखे हैं, और अगर बेटा आपका सिलेक्शन हुआ, दैट इज गोइंग टू बी द ओनली रिवॉर्ड. वो जो बोलते हैं ना गुरु दक्षिणा मैम, पहले के ज़माने में लोग देते थे, अभी भी टीचर्स जब बच्चे जब ऑफलाइन में होते थे तो क्या लेके आते थे, चॉकलेट लेके आते थे, पेन लेके आते थे. तो यार ये गुरु दक्षिणा बस एक ही है, वो एक गुरु दक्षिणा है बेटा, कि मुझे आपसे सिलेक्शन 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 चाहिए. और अगर मैंने आपकी कहीं भी मदद की है तो बेटा मेरे से लकी कोई टीचर नहीं हो सकता, कोई टीचर नहीं हो सकता. यस, कहीं भी बेटा की है. यू नो, मुझे उम्मीद नहीं थी यार इतने बच्चे मेरे कंटेंट को प्यार करेंगे. अब जब मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, व्हेन आई सी योर कमेंट्स, इट फिल्स माय हार्ट विद सो मच ऑफ एनर्जी, विद सो मच ऑफ लव, जिससे मेरा और दिल करता है यार और अच्छा कंटेंट डिलीवर करें, और अच्छी चीज़ बनाएं इनके लिए, और बेटर नोट्स बनाएं आपके लिए, और मैं अच्छा क्या कर सकती हूँ. सो यस, आई हैव गिवन माई बेस्ट आज के सेशन के. अभी सेशन खत्म नहीं हुआ वैसे, कॉमेंट्स में जरूर छोड़ के जाना यार, आज अपना आखिरी सेशन है. तो ठीक है, अब रोएंगे नहीं, है ना, रोएंगे नहीं, पेपर हो जाने दो. उसके बाद, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्डियक आउटपुट इज फिल्टर्ड बाय द किडनी, व्हाट परसेंटेज इज फिल्टर्ड बाय द किडनी. हाँ जी, ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी की, कितना परसेंट बेटा फिल्टर होता है, सिर्फ 10% फिल्टर होता है. यस, ओनली 10% इज फिल्टर्ड आउट बाय द किडनी, 1/5 पार्ट. ठीक है, ओ 1/5 कितना होता है, 1/5, एक मिनट रुक जाओ, 1/5 कितना होता है, 20%. 20% इज फिल्टर्ड बाय द किडनी. सही है, सही है, 1/5 इज फिल्टर्ड बाय द किडनी. यस, सिलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच बताना है. कार्डियक साइकिल की बात करें तो कार्डियक साइकिल इज अ सिक्वेंशियल इवेंट इन हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड. ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम इज 5000 मिलीलीटर पर मिनट बाय ईच वेंट्रिकल. ओके, लब इज प्रोड्यूस्ड बाय इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ये जो लब डब है, लब इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, नॉट द इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. बिल्कुल बात क्या लिखी हुई है आपकी, गलत दी हुई है. ठीक है जी, यस, क्लियर हुआ ये चीज, क्लियर हो गई. हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल कॉन्स्टिट्यूट मिनिमम परसेंटेज ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट. सबसे कम बेटा, सबसे कम, यस, सबसे कम वाला कौन सा है बता दो, एरिथ्रोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, या फिर इओसिनोफिल्स. सबसे कम, देखो सबसे ज्यादा कौन से वाले होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं आपके आरबीसी. ये आरबीसी है यार, ये डब्ल्यूबीसी है, ये भी डब्ल्यूबीसी है, ये भी डब्ल्यूबीसी है. तो सबसे ज्यादा तो यार अपने आरबीसी होते हैं, सबसे कम कौन से होते हैं, सबसे कम होते हैं बेटा जी बेसोफिल्स. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट वन, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. चलो जी बना लेते हैं, कोई भी पल्मोनरी वॉल्यूम का ग्राफ बिना इसके नहीं करेगा. ओके, हाँ जी, तो क्या करनी है, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दी है, कर दी है, यहां पहुंच गए हैं. क्या वॉल्यूम बच गया, ये क्या है, ये है ईआरवी और ये है बेटा आपका आरवी. इन दोनों को इकट्ठा बोला जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. यही बचा ना, ये सारा बच गया, दैट इज एफआरसी. चलो जी आ जाओ फटाफट से. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. ये सारे स्टेप्स है बेटा रेस्पिरेशन में, अरेंज करो इनको करेक्ट ऑर्डर में. यस, करेक्ट ऑर्डर में बेटा बता देंगे. ओके, सबसे पहले तो यार तुम सांस लोगे. ओके, ओके, यस यस यस, मिल गया मुझे तो आंसर. आई हैव फाउंड द करेक्ट आंसर बेटा, मैंने ढूंढ लिया. सबसे पहले बेटा तुम्हारे वहां तक पहुंचेगा, एल्वियोलाई तक पहुंचेगा. पहुंच गया, पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गई. ये देखो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के पास है ब्लड वेसल, तो सबसे पहले डिफ्यूजन होगा एल्वियोलर के पास, जो ब्लड वेसल्स है वहां पर. यानी कि नंबर टू पे आ जाएगा आपका ये वाला. यस, ठीक है, कर दिया, यहां पर पहुंच गया. यहां से बेटा फिर ट्रांसपोर्ट होगा, तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा ट्रांसपोर्ट. यहां पर पहुंच गया टिश्यूज के नजदीक. ठीक है, अब टिश्यूज वाले में होगी डिफ्यूजन, तो ये हो जाएगा आपका चौथा. देन मेजर टिश्यूज के पास पहुंच जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द फिफ्थ. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन. ऑप्शन नंबर टू, टू इज गोइंग टू बी द राइट वन बेटा. यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू. ओके, नेक्स्ट आ जाइए. इलियोसीकल वॉल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ. इलियोसीकल वॉल्व बेटा किसका बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं बता दो. जो खाना
स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है उसका बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं. यस हाँ जी. 149 फोर्थ. यस हमने सीकम से वापस खाने को नहीं आने देना, तो फीकल मैटर फ्रॉम सीकम टू इलियम, ठीक है, ब्लाइंड सैक से वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आना चाहिए. इन ह्यूमंस द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड बाय, कौन इनिशिएट कर रहा है? बकल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या इसोफेगस? हु इज इनिशिएटिंग बता दो. केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड बाय, यस दैट इज इनिशिएटेड बाय द बकल कैविटी, क्योंकि बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज होता है. नेक्स्ट, मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू. देखो ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो टेबल बना हुआ है, पिगमेंट, एल्कलॉइड, हार्मोन, इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, मैच इट गाइस. पिगमेंट तुम्हें पता है कौन सा है? पिगमेंट इनमें है एंथोसाइनिन, तो एक आना चाहिए, फोर, अच्छा आ गया. एल्कलॉइड कौन है बेटा इसमें? मॉर्फीन, तो बी का आना चाहिए वन, सी का आना चाहिए टू, डी का आना चाहिए थ्री. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू मेरे बच्चों. यस, टू इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. अच्छा अब मैम क्या ले रही है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. बताइए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है? बता दो बेटा. यस कह रहे मैम ये मॉक टेस्ट में था. देखो मैम के क्वेश्चन बहुत चुनिंदे होते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें मॉक टेस्ट में मिलेंगे. और बेटा लिख के ले लो, मेरे कराए हुए क्वेश्चंस में से तुम्हारा नीट का पेपर आएगा 40-50%. थोड़ी सी लैंग्वेज बदलेगी, इससे बाहर सवाल आ ही नहीं सकते यार. नए क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे? नई एनसीईआरटी थोड़ा छापेंगे. एनसीईआरटी वही है, कॉन्टेंट वही है, तो क्वेश्चन बाहर से कैसे आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल कॉन्स्टिट्यूट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास? हाँ जी, मैक्सिमम परसेंटेज निकाल दो. वो ये भी एक टेबल दिया हो बेटा, ये भी आपका एक टेबल दिया हुआ है उसमें बायोमोलिक्यूल की, में सेल में सबसे ज्यादा क्या है? सेल में बेटा सबसे ज्यादा तो क्या है? पानी है. 90% आपका क्या है? पानी है. दिन धरती पानी से बनी है, हमारी बॉडी पानी से बनी है, तो सबसे ज्यादा बेटा क्या है? आपका पानी. इसके सारे परसेंटेज जरूर याद कर लेना. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. हाँ जी बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे यहां से. द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज सॉलिड, प्लाइबल, प्लाइबल नहीं होती. नो, ये गलत है. लैक्यूने आर प्रेजेंट ऑन बोन्स, नहीं लैक्यूने होते हैं. कार्टिलेज में भी गलत कह रहे हैं. बोन्स इंटरैक्ट विद स्केलेटल मसल नॉट अटैच विद देम टू ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट, दे आर अटैच टू द स्केलेटल मसल. बोन जुड़ी होती हैं. कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज. बात तो सही है बेटा, कोलेजन फाइबर्स आपके दोनों जगह होते हैं, ठीक है जी, दोनों जगह होते हैं. ओके एक मिनट. इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा गड़बड़ है. क्या पूछा आपसे? करेक्ट पूछा है. रुक जाओ, मैं दूसरा ढूंढ रही थी. ओके, ये बात क्या है आपकी? गलत है. यस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. रेजिस्ट कंप्रेशन नहीं आएगा. ठीक है, ठीक जा रहे थे. ओके यस, दिस इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट वन. लैक्यूने ओनली बोन्स में नहीं होते, दोनों में होते. ठीक जा रहे थे, मुझे लगा हम गलत जा रहे हैं. ये भी क्या है बेटा? बात गलत है. करेक्ट बात कौन सी है आपकी? यस, करेक्ट बात फोर. इट वॉज राइट. यस, चूज द इनकरेक्ट मैच. क्या बताना है? इनकरेक्ट मैच बताना है. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. इनकरेक्ट. ओके हाँ जी, इनकरेक्ट बताइए. पहला ही इनकरेक्ट है यार. सेल्स आर लूजली अरेंज, हो ही नहीं सकता. एपिथेलियल में सेल्स बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सिक्रीशन ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्सेप्ट. एक्सो की सिक्रेशन कौन सी है एक्सेप्ट? यार सलाइवा, ईयर वैक्स, मिल्क या हार्मोन? ये तो कोई बच्चा गलत नहीं कर रहा. देखो हार्मोन जी एक अकेली सिक्रेशन है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की है, बाकी सारी सिक्रेशन किसकी है? एक्सो की. नेक्स्ट आ जाइए. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट आंसर. पढ़ लो. ऑन एन एवरेज फीमेल ऑफ कॉकरोच प्रोड्यूसेस 9-10 ऊथीके ईच कंटेनिंग 4-16 एग्स. ओके, द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग 13 टाइम्स टू रीच द एडल्ट. सही बात है यार, दोनों बिल्कुल सही बातें हैं. एक बारी में बेटा कम से कम 160 बच्चे या 160
फर्टिलाइज्ड एग रिलीज होते हैं बेटा, निम्फ बनते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं, ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन, यस। ओके, कॉकरोच में से एक दूसरा सवाल देखिए, मैंने आपको फ्रॉग और अर्थवर्म भी कराया हुआ है, ठीक है, आप ज्यादा रिवाइज मत करना, एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना उसको बस, नोट्स मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया हुआ है टेलीग्राम पर, ये वाली फाइल अगर कोई चाहता है कि मैं भेज दूं तो मैं भेज दूंगी, बस आप नंबर नोट करते जाइए ताकि आप उस वाले टॉपिक को दोबारा जरूर 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 देखें। ए बी सी डी क्या है? यस, ए बी सी डी क्या है बेटा? ए इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ए होता है क्रॉप, यस, ये क्या है? क्रॉप। ये बी बेटा दांत है, प्रोवेंट्रिकुलस है जिसका नाम है गिजर्ड, ठीक है, क्रॉप में स्टोरेज होती है, गिजर्ड में ग्राइंडिंग होती है। सी क्या है बेटा? सी है आपके हिपैटिक सीके, और डी है मालपिजन ट्यूबुल्स, ठीक है, मालपिजन ट्यूबुल्स। तो अब देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, क्रॉप इज फॉर द स्टोरेज, गिजर्ड फॉर ग्राइंडिंग, हिपैटिक सीके जूस, और ये करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर फोर। थोड़ा सा छोटा दिख रहा था बट कोई बात नहीं, सह लेंगे यार। बेटा पेपर में कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा, गर्मी सर्दी कुछ भी लगने लग सकता है, अलग फीलिंग्स आ सकती हैं, हो सकता है तुम्हारे सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाए, हो सकता है बेटा बिजली चमकने लग जाए, हो सकता है अप्सराएं दिखने लग जाएं, लेकिन तुम्हारा फोकस पेपर से नहीं छूटना चाहिए। तो एक प्लान बना के जाना, प्लान है कि पेपर को खोलना है, सील खोलनी है, आखिरी सवाल आखिरी टॉपिक पे चले जाना, आखिरी सब्जेक्ट पे चले जाना, बायो करनी शुरू कर देनी है, बायो के फटाफट से सवाल निकाले जितने हो रहे हैं, ठीक है, जो नहीं हो रहे गोला मारते जाओ वहां पर, ठीक है जी। देन पहुंच जाना है आपने कहां पर, केमिस्ट्री पे, देन आपने पहुंचना है फिजिक्स पे, यूजुअली यही पैटर्न है, बाकी पर्सनल चॉइस भी एक तरीके से। मैंने आपको ओएमआर फिल करने का एक बेस्ट तरीका बताया था, आई होप आपने वो वीडियो देखी है, नहीं देखी तो यार देख के जाना, प्लीज देख के जाना, उसमें मैंने तुम बताया कि फिजिक्स वाले में गलती करते हो तुम, फिजिक्स के क्वेश्चन क्यों छूट जाते हैं, क्यों गलत होते हैं, क्योंकि ओएमआर एंड में भरते हो, फिजिक्स की ओएमआर एंड में नहीं भरनी है, ठीक है। मिसमैच तुमसे पूछा तो क्या है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक थियोफिस बेटा क्या है? लिम्बलेस एम्फीबियन है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिप्रेजेंटेड बाय मैमल्स एक्सेप्ट, मैमरी ग्लैंड मैमल्स में होते हैं, बॉडी हेयर मैमल में होते हैं, पिन्ना भी मैमल्स का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन फोर चेम्बर्ड हार्ट, डॉर्सल फोर चेम्बर्ड, हमारा तो वेंट्रल है, डॉर्सल यानी कि पीछे, पीछे हॉर्न लगा देंगे हार्ट, है ना, तो ये नॉन कॉर्डेट्स का फीचर है, हमारा नहीं है। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द ऑर्थ्रोपोडा एक्सेप्ट, ये सारे ऑर्थ्रोपोडा का फीचर है एक्सेप्ट, बताइए। ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ओके, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दे आर मोस्टली डायोशियस, ओके, ये भी सही है, डायोशियस होते हैं। बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट इन ऑल इंसेक्ट्स, ये बात बेटा थोड़ी सी गलत कह रहे हैं, क्योंकि बैलेंसिंग ऑर्गन सिर्फ अक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड में होते हैं, किसको चाहिए होते हैं, एक्वाटिक को चाहिए, तो अक्वाटिक जो चीजें हैं ना बेटा उसमें प्रेजेंट होते हैं अक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड में, तो दिस इज इनकरेक्ट, याद रख लेना, बैलेंसिंग ऑर्गन्स दे आर सीन नॉट इन ऑल इंसेक्ट्स, नॉट इन ऑल ऑर्थ्रोपोड्स, इन द अक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स। ओके, कंप्लीट द एनालॉजी, इस एनालॉजी को कंप्लीट करेंगे, प्लैटीहेलमिंथीस ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट सीलेंट्रेट क्या है? ओके, तो सीलोमेट्स क्या है बताओ, प्लैटीहेलमिंथीस ट्रिप्लोब्लास्टिक और ए सीलोमेट्स होते हैं, सही है, तो सीलेंट्रेट्स क्या है? सीलेंट्रेट डिप्लो है पहली चीज ये, और ए सीलोमेट ही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, है ना बच्चों, चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल विल रिप्रेजेंट सेलुलर लेवल, जोश कम क्यों हो रहा है यार, सेशन को लाइक किया जाए, जोश कम नहीं होना चाहिए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के साथ, यस कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिप्रेजेंट्स सेलुलर लेवल, सेलुलर एक के पास ही है, दैट इज द फर्स्ट फाइलम, फर्स्ट फाइलम आपको कौन सा, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में कौन आते हैं आपके, स्काइफा, पॉरीफेरा, ठीक है, एनकाइलोस्टोमा नहीं आता, बॉम्बिक्स आपका आता है उसमें, ऑर्थ्रोपोडा में हाइड्रा आता है, सीलेंट्रेटा में। आइडेंटिफाई द फैमिली टू विच द फ्लोरल फॉर्मूला बिलोंग्स, ये फ्लोरल फॉर्मूला किसका है, ये फ्लोरल फॉर्मूला बेटा जी किसका है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन दिख रही है, डाइडेल्फस स्टेमेंस भी दिख रहे हैं तुमको, हाँ जी ये किसके हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, बताएंगे, तुम्हारा सबसे हेटेड हेटेड पोर्शन चल रहा है, यस हेटेड पोर्शन चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, फैबेशिया फैमिली इज द राइट आंसर। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन, किस में मिलती है बेटा, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी इज प्रेजेंट इन, बता दो फटाफट से, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, कैलोट्रोपिस एंड एल्स्टोनिया, यस, एल्स्टोनिया एंड गुआवा, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, ये चाइना रोज एंड मस्टर्ड,
करेक्ट आंसर बेटा जी आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि एल्स्टोनिया के अंदर, देखो एल्स्टोनिया दो जगह दिया हुआ है, एल्स्टोनिया के अंदर तो क्या होती है, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी होती है, यस वर्ल्ड फाइलोटैक्सी होती है, तो ये आंसर नहीं बैठ सकते। फ्रूट ऑफ डैश डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड मीजोकार्प इज फाइब्रस वेयर एज एंडोकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी। हियर ए रिप्रेजेंट्स, ए क्या है बता दो। आज रात को बेटा मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग चीज शेयर करने वाली हूँ, वो चीज़ मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई है, पढ़ाई नहीं है यार, अब मैं तुम्हें और नहीं पढ़ाऊंगी, दिस इज़ माई लास्ट एंड एंड आई रियली वॉन्ट ये तुम्हारे लिए भी एंड हो, बस अब इसके बाद तुम भी और मत पढ़ना, कोई पढ़ा रहा हो, कहीं मैराथन चल रही हो, जस्ट अवॉइड दैट, ठीक है, क्योंकि अब तुम अपने माइंड को नई चीज़ से नहीं भर सकते हो, है ना। अब बस सवाल जितने करने थे आज रात तक हो गए हैं, कल जो मन करे उठा के पढ़ लेना, कुछ देखना मत, कोई वीडियो मत देखना, आज रात को एक वो वीडियो बेटा मेरे दिल के बहुत करीब है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 9 बजे, दैट इज अ रियली गुड थिंग। अच्छा आंसर आ गया, यस जो मैम पी रही है वही तो है, यस दैट इज ओके। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ, हाँ जी, स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन अ रिंग, स्क्लेरेन्काइमेटस, हाइपोडर्मिस या वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन द वास्कुलर बंडल, ठीक है, यस बता दो। ओके 132 करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2, बी इज द राइट आंसर, यस 131 द रूट्स हेयर, द रूट हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम स्टेम हेयर इन बींग, हाँ जी क्या अंतर है रूट हेयर और स्टेम हेयर में बता दो, लेंटिसल्स और रूट हेयर में, रूट हेयर और स्टेम हेयर में क्या अंतर है बता दो फटाफट से, यस अंतर बेटा आता है दैट इज बींग यूनिसेलर स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेयर, रूट हेयर क्या है आपके सिंगल सेल्ड हैं, यस स्टेम हेयर जिनको ट्राइकोम्स भी बोलते हैं वो मल्टीसेलर है ना, स्टेम हेयर को क्या बोलते हैं ट्राइकोम बोलते हैं, ये क्या है बेटा मल्टीसेलर है, लेकिन रूट हेयर क्या है आपकी यूनिसेलर है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, किनके पास यहां पर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा, चलो जी रुकना नहीं है थमना नहीं है हमने, ये माइक कैसे ऊपर निकल के आ रहा है देख रहे हो, यस हाउ मेनी हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि आपसे क्या पूछ रहे हैं एन वाले पूछ रहे हैं, कौन से एन है, प्रोथैलस ऑफ एडियंटम एन है, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस एन है, आर्किगोनियम ऑफ साइकस एन है, साइनर्जिड ऑफ एक्रेटस एन है, कॉटिलिडन ऑफ राइस कितना है आपका 2n है, तो ओनली करेक्ट आंसर यानी कि चार आपके एन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार नहीं करके आएंगे बी करके आएंगे। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट बाय मेंडल हैड द फॉलोइंग कंट्रास्टिंग ट्रेट दैट वाज कंसिडर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है, यस एक्सेप्ट, हाँ जी राउंड रिंकल लिया था, ये भी लिया था, ये भी लिया था, ये बड़ा नया सा है, ये उसने नहीं लिया था, पेडिसिलेटन सिसाइल फ्लावर्स ये नहीं लिए थे उसने, हटा दो। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, जेनेटिक्स आ चुकी है गाइस, जेनेटिक्स में तो और ध्यान से सवाल देखेंगे, मैंने आपको न्यूमेरिकल जेनेटिक्स के अभी 2 दिन पहले कराए हैं, दैट वॉज अ रॉकिंग सेशन, वो न्यूमेरिकल आपको पूरी पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, आप सर्च करके देख लेना क्योंकि वो एम्स के न्यूमेरिकल थे, हर कोई नहीं कराता वो, ठीक है जी, यस तो जिसके पास बाकी सिलेबस हो गया हो नहीं देखा हो वो सेशन तो जरूर जाके एक बार ही देखना। ओके सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, यू क्रोमैटिन इंट्रॉन्स राइबोसाइम एंड लैकवाइजीन, लैकवाइजीन 128 ओके इनकरेक्ट मैच बताना है, इंट्रॉन्स प्रेजेंट इन मैच्योर आरएनए, नहीं यार मैच्योरिटी में तो हम इनको बाहर फेंक देते हैं, ये तो नॉन कोडिंग सेगमेंट है। Human Genome Project has been called a mega project. बेटा बता दो ये सवाल कितनी बारी आ चुका है, और सिर्फ नीट में नहीं KCET, JKCET हर पेपर में HGP के फीचर्स, बेसिक फीचर्स आने लाजमी है, yes? इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट ह्यूज कॉस्ट है, ठीक है जी, बहुत सारे सीक्वेंसेस देखने पड़ते हैं, रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट, लेकिन LC बताता है इसीलिए ये मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, तो LC की फुल फॉर्म भी देख लेना, एथिकल लीगल सोशल इश्यूज। नेक्स्ट आ जाइए, बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव थाइमिडिन हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड यूकेरियोट दैट DNA इन द क्रोमोसोम रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, ध्यान देना
डीएनए इन द क्रोमोसोम रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, यानी कि ये क्रोमोसोमल लेवल पे सेमी कंजर्वेटिव नेचर किसने प्रूव की? देखो, एक था डीएनए लेवल पे, मॉलिकुलर लेवल पे किसने की, मसल्स एंड इंस्टॉल। क्रोमोसोम लेवल पे किसने की, जो विशिया फेबा पे काम किया था, किसने काम किया था विशिया फेबा पे? टेलर एट ऑल या फिर टेलर एंड हिज कॉलीग्स। ठीक है जी, साइंटिस्ट में से सवाल आएगा आपके मॉलिकुलर बेसिस में। द टू एस्पेक्ट्स व्हिच आर नॉट द सेलिएंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड, which are not the salient feature of genetic code is there in being, okay, jo not a beta not the feature of the genetic code bata de, specific hai, universal hai, degenerate hai, triplet hai, non degenerate nahi hai aur overlapping nahi ho sakta, overlapping code ho jaye to kitni gadbad hone lagegi, hai na ji। next, select the process which are energetically very very expensive, yani ki jisme energy lagti hai। इन चारों में से एनर्जी डिवन ड्रिवन प्रोसेस बता दीजिए। यस, ट्रांसलेशन ओनली। देखो, जेनेटिक्स का सवाल ध्यान से देखना, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ऑल रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव। बेटा सारे प्रोसेस, रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ऑल आर जेनेटिकली वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग symbols and its representation used in human pedigree analysis is incorrect? आपको क्या बताना है बेटा, इसमें से incorrect कौन सी है? तो शादी करा दे, चलो शादियां कराते हैं बेटा। ये शादी हो रही है consanguineous marriage, close relatives में शादी हो रही है, बिल्कुल सही है, दो डंडे लग जाते हैं। ये parent या couple है, इनको शादी से जोड़ देते हैं, तो ये भी सही है। इसका sex unspecified है, ये भी सही है। parent with the three affected offspring, ऐसे थोड़ा लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे? अगर कोई पेरेंट है जिसके तीन अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैं, तो बेटा किस तरीके से लिखा जाएगा? विद द शेडेड सिंबल, ठीक है, आपको शेड उसमें करना पड़ेगा। दिस इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, अ टॉल मेल विद अ फेमिनिन करेक्टर, लड़का है बेटा। मैंने सिखाया था जो लास्ट के दो सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, सेक्स लिंक्ड जो आपके हैं, एक में मोनोसोमी है, एक में ट्राइसोमी है, उसमें जो लड़का है, लड़के से आंसर आ जाए बेटा, जिसके पास एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, यानी कि एक्स एक्स वाई, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोजोम, दैट इज बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर लड़कियों को होता है, वो 45X है, उसमें मोनोसोमी ऑफ एक्स हो जाती है। क्लाइनफेल्टर बड़ा नाम है, ह्यूज बंदे को होगा, यानी कि मेल को होगा, ठीक है, किसको होगा? मेल्स को होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ह्यूमन स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट्स आर कंट्रोल्ड बाय, ह्यूमन स्किन कलर तुम जानते हो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, कैसी है? पॉलीजेनिक, मेनी जीन्स आर कंट्रोलिंग, हाइट भी बेटा वैसा ही है, दैट इज पॉलीजेन्स। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी थ्री और मोर देन थ्री जीन्स, दैट इज पॉलीजेन्स। अ लिंकेज ग्रुप इज लीनियरली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम। ट्रांसलोकेशंस अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन इज डिफाइंड एज, ट्रांसलोकेशन पूछ रहे हैं बेटा क्या है। एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन टू डिफरेंट लिंकेज ग्रुप, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन सेम लिंकेज ग्रुप, या रोटेशन ऑफ द सेक्शन ऑफ डीएनए विद इन द क्रोमोसोम। थोड़ा सा बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, ट्रांसलोकेशन क्या होता है बेटा? जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होता है। नॉन होमोलोगस कौन से हो गए? नॉन होमोलोगस हो गए दो डिफरेंट लिंकेज ग्रुप, हुए कि नहीं हुए? दो डिफरेंट लिंकेज ग्रुप, जिसको अपने लोग इलिजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इलिजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द प्रोजेनी विद बीबी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल इन द फॉलोइंग मेंडेलियन क्रॉस। क्रॉस करना है बेटा, क्या है? डाईहाइब्रिड क्रॉस दिख रहा है? यस, डाईहाइब्रिड क्रॉस दिख रहा है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल क्रॉस कर दो, बी बी एल एल। हाँ जी, बता दीजिए। यस, क्रॉस जब करने बैठेंगे तो यहां पे बेटा इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यस, देखिए यहाँ पर अगर तुम क्रॉस ये सॉल्व करने बैठोगे, इसका जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो है वो सेम आता है। कैलकुलेट करके देखोगे तो बेटा फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज 1:1:1। क्या रहेगा? 1:1:1। क्यों? क्योंकि बेटा एक तरीके से टेस्ट क्रॉस की तरह दिखाई दे रहा है। कैसा दिख रहा है? टेस्ट क्रॉस की तरह बेटा दिखाई दे रहा है। तो अगर रेशो 1:1:1 है, पेंसिल भी जवाब देगी, तो इसलिए मैं लिख नहीं पा रही हूँ, पेंसिल को थोड़ा सा 2 मिनट चार्ज कर लेते हैं, हो जाएगी चार्ज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर, अब मैंने तुम्हें रेशो बता दिए बेटा, रेशो बता दिए, तो क्या आंसर आएगा?
क्या आंसर आएगा? दैट इज गोइंग टू बी 1/4. यस यस बेटा, क्या आंसर आ जाएगा? 1/4. चलो नेक्स्ट पढ़ो. रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू डाइकॉट एम्ब्रियो. डाइकॉट एम्ब्रियो पे आपको इनकरेक्ट मैच निकालना है. निकाल दो. रेडिकल रूट टिप, प्लिम्यूल शूट टिप, एपिकोटाइल सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द कॉटिलेडन एंड हाइपोकोटाइल सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सेस. बता दो. इनकरेक्ट पूछा बेटा. यस, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है. बेटा जो एपिकोटाइल है ना, वो भी सिलेंड्रिकल पोर्शन किसका है? एम्ब्रियोनल एक्सिस का. यस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का है, विच विल टर्मिनेट जस्ट बिलो द प्लिम्यूल. सो दिस इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट वन. इनकरेक्ट मैच कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट आ जाइए. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिनेशन. गलत बात बतानी है पॉलिनेशन से रिलेटेड. हाँ जी बेटा, 23 का बैच बेटा मेरा यूट्यूब पे चालू होगा नेक्स्ट मंथ, लेकिन मैं प्लस पे चालू कर रही हूँ और एक कर भी चुकी हूँ, तो आप प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं. अभी आपके पास ऑफर भी है. अभी बेटा प्लस पे काफी अच्छा ऑफर भी चल रहा है. हाँ, अप्रोक्सीमेटली 41% आपके पास ऑफ है बेटा. कितना? 41%. तो आप देख सकते हैं यार. राइट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिनेशन. रॉन्ग बताना. देखिए ये बात सही है. फ्लोरल रिवॉर्ड यही होते हैं. पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स. सही है. पॉलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी इन एनिमोफिलस फ्लावर्स. फ्लावर्स दैट अट्रैक्ट फ्लाइज इन बीटल्स आर ऑडरलेस. तो कैसे अट्रैक्ट करेंगे? स्मेल ही नहीं आएगी उसमें से, अरोमा ही नहीं आएगा, तो कैसे अट्रैक्ट करेंगे? दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है जी. द टीएस ऑफ एंथर रिवील्स. सिखाया हुआ है ऐसे बेटा एंथर बनता है. TS of anther is going to reveal bilobed structure, trigonal structure, trisporangiate and always true sporangia. हाँ जी बेटा, एक ही सही है. जो अपना anther है, इसको divide करके देखोगे तो it is a bilobed structure, tetrasporangiate है. कितने हैं? Tetrasporangiate है. ठीक है, diathecus, bilobed, tetrasporangiate अपना anther होता है. ओके, नेक्स्ट. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स यूज टू डिनोट bisexual condition in plants. करेक्ट ऑप्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन ऑफ द प्लांट. होमोथैलिक डाइशियस, हेट्रोथैलिक डाइशियस, हेट्रोथैलिक मोनोइशियस, होमोथैलिक मोनोइशियस. यस, पीडीएफ दे दूंगे बेटा टेलीग्राम पे. सीप पाउजा बायोलॉजी से है बेटा. क्या है? मेरा नाम है, मेरा नाम सबको पता है, सीप पाउजा, एंड साथ में बायोलॉजी. ठीक है, यहाँ पे शेयर करूंगी आफ्टर द क्लास. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू टर्म यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन. करेक्ट ऑप्शन निकाल लिया यार. करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? होमोथैलिक एंड मोनोइशियस. 4. यस, बिल्कुल ठीक है. द अप्रोक्सीमेटली लाइफ स्पैन. देखो लाइफ स्पैन में से सवाल आ रहा है. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट क्वेश्चन लाइफ स्पैन में से. क्रो कितने साल जीता है और क्रोकोडाइल कितने साल जीता है? बता दीजिए. दिया हुआ डायरेक्ट. क्रो जीता है तकरीबन 15 साल और क्रोकोडाइल कितने साल जीता है? 60 साल. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. ठीक है जी. नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट इन प्लांट्स रिजर्वायर पूल इज एटमॉस्फेयर. अच्छा, कौन सी चीज बेटा हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है? पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन. यार ये चीजें तो मिनरल एलिमेंट्स हैं, ये तो सॉइल से मिल जाएंगे. कौन सी चीज एटमॉस्फेयर से मिलेगी? नाइट्रोजन. ये सिर्फ हवा में है, फिर इसको हम फिक्स करके प्लांट के लिए एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लेके आएंगे. फिर से बेटा उसी का सवाल आ गया. हाउ मेनी हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन्स एंड ATP आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 2 molecules ऑफ NH3 फ्रॉम 1 molecule ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. हमने 2 molecule बनाने अमोनिया के 1 molecule ऑफ N2 से. बताइए क्या सीन होगा? यस, रिएक्शन याद है सबको? यस, याद है ना बेटा कैसी रिएक्शन आएगी नाइट्रोजन फिक्सेशन की? 2 अमोनिया बनाने अपने ने, तो कितने चाहिए ATP, कितने चाहिए बेटा अपने पास इलेक्ट्रॉन्स, और कितने चाहिए हाइड्रोजन आयन. यस, करेक्ट आंसर माय डियर किड्स इज गोइंग टू बी, बता दो. यस, 8 हाइड्रोजन आयन, 8 इलेक्ट्रॉन, 16 ATP. मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी है ना. चलो नेक्स्ट. Tricarboxylic acid was first elucidated by TCA. Tricarboxylic acid कौन हो गया बेटा? TCA हो गया. It was first given by hmm.
मिचेल एम्बिडन, म्यूनश एंड हैंस क्रैब. देखो टीसीए साइकिल का दूसरा नाम ही क्रैब साइकिल है, तो क्रैब साइकिल है तो क्या बोलोगे, हांस क्रैब्स, है ना. Fourth is going to be the right answer. Next one. Some plants require exposure to light less than the critical photo period. जिनको कम चाहिए होता है यार, जिनको कम चाहिए होता है तो उनको क्या बोलेंगे, short day, long day, day neutral या only perennial plant. बेटा जिनको कम चाहिए होता है, ठीक है, उनको अपने लोग क्या बोलते हैं, उनको बेटा अपने लोग बोलते हैं short day plants. क्या बोलते हैं बेटा जी, short day plants, बिल्कुल. Next one. Which of the following statement is incorrect? क्या बोलते हो, Which of the following statement is incorrect? Rubisco shows affinity with CO2 and oxygen. RUBP is 5-carbon ketose sugar. PEPCase catalyze the CO2 fixation in bundle sheath cell of C4 plants. Yeah, during C4 cycle, PEP is regenerated in mesophyll. Dhyan se padhna. Haan ji. Bahut hi blunder wali line likh di hai inhone. Ki PEPCase catalyze CO2 in bundle sheath cell. बेटा दे कैटालाइज इट इन मीजोफिल सेल, कहां पे करते हैं, मीजोफिल पे. तो इनकरेक्ट वन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है. यस, 3 इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट. सिलेक्ट द करेक्ट मैच. फ्लैजेला, साइनोबैक्टीरिया, वाटर लिली, एंटोमोफिली, पैरास्कॉर्बिक एसिड, इनहिबिट सीड डॉर्मेंसी, या फिर रूट प्रेशर ब्रेक वाटर कॉलम इन द जाइलम. करेक्ट मैच आपको निकालना है. यस, करेक्ट मैच निकालिए बेटा. वाटर लिली जो है ना, वो पानी के ऊपर तक निकल आती है, पानी के ऊपर तक निकल आएगी और इंसेक्ट की हेल्प से उसकी पॉलिनेशन होती है, दैट इज एंटोमोफिली. बिल्कुल सही है, बाकी सारे क्या दिए हुए हैं आपको, गलत दिए हुए. नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर. नॉट पूछा, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और CF, सिस्टिक फाइब्रोसिस. यस, नॉट पूछा बेटा. आपने कितने सवाल एक्सी वाले किए, जिसमें अपने लोग ऐसे लिखते थे XCY, ये XC स्मॉल सी, यानी कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये ऑटोसोमल नहीं है, ये तो एक्स लिंक्ड है ना, ये तो क्या है, एक्स लिंक्ड है. नेक्स्ट आ जाइए. सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन. इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन, बता दो फटाफट से. यस, सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, keeps the cell flaccid, cools leaf surface, या creates transpiration pool. Significance of transpiration के लिए क्या गलत है. ओके, यस, ट्रांसपिरेशन के लिए बेटा अपने को सेल को फ्लैक्सिड नहीं टर्जिड करना है, तो इनकरेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर 2. फ्लैक्सिड नहीं बेटा, टर्जिड, तभी तो ट्रांसपिरेशन होगी, है ना, तभी तो खुलेगा वो स्टोमेटा और तभी वहां से वेपर्स निकल आएंगे. ओके जी, नेक्स्ट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर देम. इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा वाला ट्रू है. हां जी, 105, सिंपल डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, बिल्कुल सही है. ओके, गैशियस मूवमेंट अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन ओनली. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्स ट्रांसपोर्टर. फैसिलिटेटेड बेटा, फैसिलिटेटेड एक डाउन हिल मूवमेंट है. कैसी है, डाउन हिल मूवमेंट है, एनर्जी नहीं लगती है, हाइक टू लो ही होती है. तो कौन से सही है, ए बी सी आपके करेक्ट है. वन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है, बाकी सारे सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है. नेक्स्ट वन. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकस विच इज नॉट प्रेजेंट इन पाइनस. बहुत बढ़िया है, दोनों जिम्नोस्पर्म्स है, लेकिन ऐसा कैरेक्टर जो साइकस में है लेकिन पाइनस में नहीं है. हाँ जी, जो साइकस में है बेटा, जो पाइनस में नहीं है. यस, हाँ जी, बिल्कुल सही है. ढूंढ लो, नेकेड सीड विदाउट फ्रूट, दोनों जिम्नोस्पर्म है यार, ये तो होगा. पॉलिनेशन बाय विंड, जिम्नोस्पर्म में ऐसे ही होता है. ब्रांच स्टेम विद नीडल लाइक लीव्स, जिम्नोस्पर्म में ऐसे ही होता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, है ना. चलिए नेक्स्ट वन. चूज द रॉन्ग मैच रिलेटेड टू द स्टोर्ड फूड इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. रॉन्ग मैच निकालना है बेटा, रिलेटेड टू द स्टोर्ड फूड इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. स्टोर्ड फूड, ओके, ग्रीन एल्गी स्टार्च, यस, रेड एल्गी फ्लोरिडियन स्टार्च, ये भी सवाल आ चुका है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेड एल्गी फ्लोरिडियन स्टार्च, ब्राउन एल्गी मैनिटोल,
BGA पैरामाइलम स्टार्च. बेटा ये जो पैरामाइलम है ये तो किसमें प्रेजेंट होता है, यूग्लिनॉइड में. किसमें होता है, यूग्लिनॉइड में. तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट है ना. नेक्स्ट वन, मार्केंशिया शोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. मार्केंशिया के बेटा ये सारे फीचर्स है, कौन सा नहीं है, डायोशियस, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, एंथ्रीडियोफोर इज हिडन इनसाइड द थैलस. देखो यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ जेम्मे. कौन सा वाला नहीं है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. इट इज नॉट हिडन, ठीक है. यस, मेल थैलस पे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है. करेक्ट मैच ढूंढना है, वीट, पोटेटो, कैट, डॉग. हाँ जी, करेक्ट मैच निकालिए. एक ही ठीक दिख रहा है यार. यस, वीट क्या है बेटा, डिवीजन, मोनोकॉटिलेडन डिवीजन नहीं होता, डिवीजन होता है एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म बेटा डिवीजन है. पोटेटो का ऑर्डर कौन सा है, पॉलीमोनियल्स. क्या है, सेपिंडल्स नहीं है, पॉलीमोनियल्स. कैट की फैमिली कार्निवोर फैमिली है बेटा, फेलिडे. क्या है, फेलिडे. और डॉग की फैमिली कैनिडे. दिस इज करेक्ट, 4 इज द ओनली करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट आरके बैक्टीरिया. इनमें से कौन सा बेटा आरके बैक्टीरिया के लिए गलत है. हाँ जी, 100th क्वेश्चन, इनकरेक्ट अबाउट आरके बैक्टीरिया. दे आर हेलोफाइल्स, मिथानोजेंस एज वेल एज थर्मोएसिडोफाइल्स. बिल्कुल सही है. सम आर ऑब्लिगेट एनारोब्स. दे लैक सेल वॉल. दे बिलोंग टू डोमेन आर्किया ऑफ द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, विच इज इनकरेक्ट. यस, देखो तुम उन्हें सेल वॉल के बिना बिठा दोगे तो कैसे जिंदा रहेंगे. आरके बैक्टीरिया के लिए सेल वॉल कितना इंपॉर्टेंट है. आधे से ज्यादा काम तो बेटा उनका सेल वॉल करती. यस, दे लैक सेल वॉल इज द इनकरेक्ट वन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो उनको एक्सट्रीम एनवायरमेंट में प्रोटेक्ट करती है और हेल्प करती है सर्वाइवल में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज माइक्रोट्यूबुल्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम. माइक्रोट्यूबुल्स बेटा अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर के काइनेटोकोर्स के साथ. एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज. हाँ जी बताइए. देखो जुड़े किससे होते हैं, मेटाफेज में जुड़ जाते हैं जब मेटाफेजिक प्लेट बनती है, और फिर एनाफेज में उनको टूट के पीछे की तरफ खींच लिया जाता है, मेटाफेज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्ट. इसमें से कौन सा वाला बेटा करेक्ट है. सेल साइकिल इज नॉट अ जेनेटिकली कंट्रोल प्रोसेस. ओके, अच्छा करेक्ट है, क्या बताना है, करेक्ट. बेटा इसको ऐसे हाईलाइट कर लेना, क्या करेक्ट पूछा है, क्या इनकरेक्ट पूछा है. 98th, सेल साइकिल इज नॉट जेनेटिकली कंट्रोल्ड. बेटा बात क्या कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ठीक है जी. डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस. नो, डीएनए रेप्लिकेशन तो बेटा एस फेज में हो जाती है. डुप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग द ऑफ ऑर्गेनेलीज ड्यूरिंग द G2 फेज. आरएनए सिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस. करेक्ट आंसर बेटा आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3. 3 इज द राइट आंसर, है ना, यही एक करेक्ट है. रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बेटा, जिसमें प्लेन के पेच की तरह तुमने बताना है सारे स्पीशीज को. एज पर रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस इन एन इकोसिस्टम मेजर फंक्शन इज ड्रिवन बाय. हाँ जी, मेजर फंक्शन वो है बेटा, वो पेच है जो प्लेन का पर बनाते हैं, जो प्लेन के विंग्स बनाते हैं. और वो स्पीशी कौन से होंगे, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इकोसिस्टम से, इकोलॉजी से, वो स्पीशी होंगे की स्पीशी. कि अगर तुम दूसरे वाले स्पीशी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. प्लेन में कुर्सी खोल दी, उसका जो ट्रे है वो खोल दी. प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम आएगी बेटा जब आप उसके पंखों के ही पर खोलने लग जाओगे, उसके पेच खोलने लग जाओगे. ओके, नेक्स्ट, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल पिरामिड. थक तो नहीं गए ना बेटा, और सोचे मैम ने अभी 2 पेपर सॉल्व करा दिए, अब हम थक गए. सेशन को बेटा फटाफट से लाइक कर दो. सेशन में लाइक्स की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार अपना आखिरी सेशन है, डिजर्व नहीं करता है मैक्सिमम लाइक्स. यस, क्या क्या क्या, क्या कह रहे हैं, ठीक तो दिया हुआ यार. करेक्ट पूछा है तुमसे, करेक्ट पूछा है. रुक जाओ. ओनली लिखा हुआ है, बात तो ठीक कह रहे हो यार. थ्रू आउट इंटरफेस सही कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, सही पकड़ा एक बच्चे ने, बिल्कुल सही पकड़ा.
हाँ कह रहे मैम केमिस्ट्री और फिजिक्स भी करा दो. ठीक है बेटा अभी खोलती हूँ पेपर उसका. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. 96 का करेक्ट आंसर क्या है? द बेस ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट प्राइमरी कंज्यूमर. पहली लाइन ही इतनी गलत है. बेस ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर. क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? प्रोड्यूसर. ठीक है जी, बेस, बेस की बात हो रही है. देन रॉकफोर्ट चीज इज राइपन्ड बाय. रॉकफोर्ट चीज बेटा माइक्रोब्स का क्वेश्चन आ गया. प्रोपियोनी बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज, पेनिसिलियम या मोनास्कस स्पीशीज, बताइए. 95th. इट इज राइपन्ड बाय. पूरा नाम नहीं दिया क्योंकि तुम रॉकफोर्टाई दिया होते तो तुम समझ जाते. यहां पर बेटा पूरा नाम आ जाएगा पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई. दैट इज ऑप्शन नंबर 3. 3 इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट आ जाओ. पूसा सेम टू वेराइटी ऑफ द फ्लैट बीन्स विच इज रेजिस्टेंट टू प्लांट पेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय. म्यूटेशन, मेरिस्टम कल्चर, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड एम्ब्रियोनिक कल्चर, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन. पूसा सेम टू वेराइटी ऑफ फ्लैट बीन्स विच इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय. 94. हाँ जी, इट इज डेवलप्ड बाय. बिल्कुल ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन एंड देन सिलेक्शन. फोर्थ इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. The mean annual precipitation in the biomes like coniferous forest and tropical forest. बेटा वो ग्राफ दिया हूँ ना एक तरीके से. यहाँ पर आपकी सारी mean annual temperature अलग अलग biomes में दी हुई है. चारों biomes दिए हुए हैं. ठीक है, आपको बताना है coniferous forest का and tropical forest में कितनी बारिश होती है. Precipitation यही होता है, बारिश होती है. तो किस में कितनी बारिश होती है तुम्हें ये बताना है. एक में ज़्यादा होती है, एक में कम होती है, नॉर्मल होती है. सो coniferous में देखें तो बेटा 50 to 250, और अगर मैं देखूं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में तो आपके पास आ जाएगी 150 to 450. 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, है ना. नेक्स्ट, हाउ मेनी इंटरमीडिएट होस्ट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन ट्रेमेटोड पैरासाइट कॉमनली कॉल्ड एज लिवर फ्लूक. खैर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है क्योंकि लिवर फ्लूक, टीनिया, इन सब के नंबर ऑफ लार्वे पहले वाली एनसीईआरटी में थे, अब वाली एनसीईआरटी में नहीं है. बट एक दो क्वेश्चन तो यार आउट ऑफ एनसीईआरटी आने ही है. तो लिवर फ्लूक की जिंदगी में कितने लार्वे होते हैं? कितने लार्वे होते हैं बेटा? दो ही होते हैं. दो होस्ट होते हैं. और वो जो दो होस्ट हैं वो कौन है? वो है स्नेल है और एक फिश है. तो याद कर सकते हो, मन है, अदरवाइज यू कैन लीव इट ऑल्सो, छोड़ सकते हो. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स. ये तो सवाल मॉक टेस्ट में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ? मॉक टेस्ट का सवाल है. Used in detergent formulation. Detergent, oil remove करना यार, दाग अच्छे नहीं है. दागों को remove करना है तो oily stains को remove करने के लिए oil यानी कि lipid. Lipid को तोड़ने के लिए lipid digesting enzyme चाहिए. ये lipid digesting enzyme कौन है? Lipase है. कौन सा है बेटा? आपका lipase. क्योंकि oil lipid ही होता है और कुछ नहीं होता बेटा. Oil क्या होते हैं? आपके lipid ही होते हैं. और solve करोगे question? और करोगे बेटा? यस, बता दो. 90 सवाल और हैं, क्या कहते हो? करा जाए? 90 मोर क्वेश्चंस टू गो. आर यू रेडी? या बस करूं? यस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में हमने इतने कर लिए हैं. क्या आप 90 क्वेश्चंस के लिए और रेडी हैं? जरा मैं देखूं. कर लेंगे. अरे वाह, बच्चों में खूब एनर्जी है, खूब एनर्जी है. रेडी स्टडी गो. पानी पी लो बस. ठीक है, फास्ट कर दूं? ओके, फास्ट कर देते हैं थोड़ा. नहीं बेटा, एनसीईआरटी में लिवर फ्लूक तो है, बट क्या उसे उसके लार्वे के नाम दिए हुए? मैं ये पूछ रही हूँ, लार्वे के नाम दिए हुए? नहीं दिए हुए ना. ऐसे तो टीनिया के लार्वे, 5 लार्वे नहीं दिए हुए, राइट? लार्वे के नाम, उनके होस्ट, कितने होस्ट आते हैं उनकी जिंदगी में. यस, मोर देन रेडी. चलो जी, लेट्स गो. कोई बात नहीं, मैम की कमर दर्द हो रही है, इट्स ओके. हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन साइड द टारगेट सेल इज कॉल्ड एज. आखिरी क्लास है, पूरा करते हैं. जितना सोचा है उसको पूरा करते हैं. आंसर आ गया? आंसर आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी. बताओ फटाफट से, आंसर बताइए. हाँ बेटा, इतना अगर तुम्हें आता है जैद तो इससे बाहर क्वेश्चन क्या आएगा? सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे. इन्हीं को बेटा तोड़ा मड़ोड़ा जाता है. आंसर नहीं नहीं बनते हैं कभी भी. यस, हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑफ द टारगेट, दे आर कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल,
ओके अच्छा, जो रिसेप्टर अंदर होंगे इंट्रासेलुलर, जो बाहर होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. टू इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. बिल्कुल सही. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट. क्या है? गार्बेज, पीएचसी, आयरन, बेंजीन. देखो बायोडिग्रेडेबल यानी कि गार्बेज, गार्बेज के अंदर बहुत सारा किचन का वेस्ट होता है तो वो क्या है आपका? बायोडिग्रेडेबल आ जाता है. नेक्स्ट आ जाइए, हाउ डू थायरॉक्सिन एंड एड्रेनलिन इफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द हार्ट. थोड़ी सी स्पीड बेटा मेरी तेज होगी. मैं चाहती हूँ कि अगले सवाल पेपर में अगर आप 40 मिनट में करें तो यहाँ पर 30 मिनट में कर दें. कितने? 30 मिनट में करते हैं. How do thyroxine and adrenaline will affect the working of the heart? आप बताइए फटाफट से. Thyroxine और adrenaline दोनों आकर heart rate को increase करते हैं. Heart rate increase होगा तो cardiac output भी increase हो जाएगी. Next one. Outcrossing refers to the mating between. Outcrossing क्या होता है? Yes, strategies का सवाल है बेटा. Outcrossing. Yes, the correct answer. Animal of the same breed having no common ancestor for 4 to 6 generation. देखिए अगर तो common ancestor है 4 to 6 generation में तो वो inbreeding है. Outcross में क्या हो रहा है? No common ancestor for 4 to 6 generation on the either side of the pedigree. Okay, next. Which one of the following statement given below is not correct? क्या है? Not correct तुमसे पूछी है तो बता दो. In PS, in photosynthetic process, PS photosystem 2 absorbs energy just below the 680. True है? The pigment that is present in the photosystem 1 is P683. ये बेटा हो गया आपका absolutely false. PS2 receives electron transport from the photo. ये भी सही है. PS1 lies on the outer side of the thylakoid. ये भी क्या है आपका? बिल्कुल सही है. तो correct answer option number 2. Next, during cell division, the replicated chromosomes are distributed to the daughter. ये daughter है बेटा. Daughter nuclei by complex series of events. Okay. Which comes under the control of? किसके अंडर आती है बेटा? अभी हमने किया, देखो मैंने बोला मोस्ट एक्सपेक्टेड है. अभी पिछले मॉक टेस्ट में, पिछले वाले मॉक टेस्ट में हमने देखा कि सेल डिवीजन का यही क्वेश्चन था. पहली लाइन में यही लिखा हुआ था, सेल डिवीजन इज कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक फैक्टर दिया हुआ था. यस yes, उसी को अब ऐसे पूछ लिया, उसी को बेटा तुमसे ऐसे पूछ लिया तो आंसर आ जाएगा 2. देखो एक लाइन को किस किस तरीके से पूछा जा रहा है, यहीं से मरोड़ के निकलेगा बेटा सवाल, अलग से नहीं आएंगे. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मैमिलियन सेल यूटिलाइज टू जॉइन यूटिलाइज इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग. बेटा काटने के काम आते हैं, जोड़ने के काम नहीं आते, और बैक्टीरिया से ही मिलते हैं, हमारे पास नहीं होते हैं, है ना. नेक्स्ट, मैमरी ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन फीमेल इज अ टाइप ऑफ. किस टाइप का है बेटा मैमरी ग्लैंड? ओके, कंपाउंड ट्यूबुलर सैक्युलर सैक्स, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड, सिंपल ग्लैंड नहीं होते, कंपाउंड एल्वियोलर. देखिए मैमरी ग्लैंड ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है. इसमें क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है, ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट कोई बात नहीं. यस, यहाँ पे ट्यूबुलर भी है, सैक्युलर भी है. ये सैक्युलर होता है, ये बेटा ट्यूबुलर होता है. तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1. होता है याद तो देख लो, नहीं तो छोड़ दो. हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रायोफाइट इंक्लूड क्या क्या आएगा? मेन प्लांट बॉडी, कैप्सूल, फुट या सीटे. ब्रायोफाइट्स के बारे में पूछा है तो आंसर में आ जाएगा बेटा आपका मेन प्लांट बॉडी. क्या आ जाएगा? मेन प्लांट बॉडी. ओके, क्या कह रहे हैं? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एक्स एक्ट्स ऑन द इंटरस्टीशियल सेल. इंटरस्टीशियल सेल यानी कि LH की बात कर रहे हैं वैसे तो. इंटरस्टीशियल सेल यानी कि लेडिक सेल. लेडिक सेल पे कौन एक्ट करता है? LH एक्ट करता है. वैसे तो यहाँ से आंसर आ ही चुका है ना. जैसे ही मैंने पढ़ा इंटरस्टीशियल, लेडिक सेल, लेडिक सेल पे L फॉर लेडिक, L फॉर LH. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, चूज द ऑप्शन इन द गिवन टेबल दैट रिवील्स द करेक्ट मैच. ओके, करेक्ट मैच बताना है. जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर वाली है, बीच वाली फैसिकुलेटर, नीच वाली रेटिकुलरिस है. ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन आया, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन. ट्रू है. फैसिकुलेटर से एड्रेनलिन नहीं आता, वो मेड्यूला से आता है, कॉर्टेक्स में से आता ही नहीं. रेटिकुलरिस से टेस्टोस्टेरोन नहीं आता, एड्रेनल मेड्यूला से कॉर्टिसोल नहीं आते. ओनली वन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, है ना. राइट, चलो मैम की स्पीड देख रहे हो. सोचो मैम तुम्हारा पेपर देने चली जाए फिर बेटा फटाफट से यार सेशन को लाइक कर दो, कमी नहीं होनी चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशी. कौन नहीं है? रेड पांडा, राउ वुल्फिया, सरपेंचियाना, हॉर्नबिल या फिर ब्लैक पक. विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशी. करेक्ट आंसर ब्लैक पक, है ना जी. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. विच सब्सटेंस इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड. देखो ग्लूकोज पूरा का पूरा वापस लेना है, अमाइनो एसिड पूरा का पूरा वापस लेना है, यूरिया क्यों वापस लेंगे यार, फिर यूरिन में क्या भेजेंगे,
यूरिन तो बनाए इसीलिए ताकि यूरिया भेज पाए, तो विच इज नॉट कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब, दैट इज ऑप्शन नंबर वन एंड टू. ठीक है, हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हीरोइन क्या है? हीरोइन बेटा है ओपिएट, नारकोटिक्स है, मॉर्फिन से बनती है, ओपिएट नारकोटिक्स है, मॉर्फिन से बनती है. तो हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 167 पॉपी प्लांट, पेपावर सोमनीफेरम. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि करेक्ट बताओ. ठीक है, जब ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए ना, घबराना नहीं है, बड़े वाले क्वेश्चन सबसे आसान निकलेंगे. ओके, यस, आपको करेक्ट बताना है. एनी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन स्टॉप्स द रेस्पिरेशन ऑफ द रूट्स, कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ CO2, दस प्रोटोप्लाज्म बिकम विस्कस एंड परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिक्रीजेस. सही बात है. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्टिल अकर्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आउटर सॉइल वाटर इज मोर देन द रूट हेयर सेल. हाँ, तब भी होती है. एडिशन इज द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस. यस गाइस, आपसे क्या पूछा? करेक्ट वन, करेक्ट पहली दो ही सबसे सही है. कौन सी है? फर्स्ट टू, बिल्कुल सही है. ड्यूरिंग माइटोसिस क्या है बेटा? ड्यूरिंग माइटोसिस सेल व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस बेटा कब गायब हो जाता है? एट द एंड ऑफ. क्या पूछा है? एट द एंड ऑफ. तुमको पता है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज ये सारी चीजें क्या हो जाती है? गायब हो जाती है. एंड ऑफ प्रोफेज, स्टार्टिंग में नहीं. यस, नेक्स्ट आ जाइए. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली. स्ट्रेप्टोकाइनेस इज अ बायो एक्टिव एजेंट यूज इन इम्यूनो सप्रेसेंट. ये तो बात जो कह रहे हैं ना वो मुझे पसंद नहीं आई है, तो मैं इसको फॉल्स कर देती हूँ, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कौन होता है? साइक्लोस्पोरिन, है ना. लाइपेज इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग एंड स्वीटनिंग ऑफ द फर्मेंटेड प्रोडक्ट. ये भी जो बात कह रहे हैं वो हमें पसंद नहीं आई है, क्योंकि लाइपेज ऑयली स्टेन्स रिमूव करता है. स्टैटिन्स आर द कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, पसंद आ गया है. प्रोटीएज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यस, मोटरेला रेनेस्पोरा. बात जो है ये सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर. ओके, इन द एपेंडाइमल सेल विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन इज प्रेजेंट. एपेंडाइमा समझते हो? एपेंडाइमा दीज आर सेल्स ऑफ योर वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन. ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स है ना उसके जो अंदर वाली साइड सेल्स हैं उनको बोलते हैं एपेंडाइमल सेल्स. क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा उनके पास? उनके पास प्रेजेंट होते हैं मूवेबल सीलिया. मूवेबल सीलिया होता है काइनोसीलिया. क्या होता है? काइनोसीलिया. ठीक है, जिससे CSF मूव करते हैं. ओके, नेक्स्ट. किंगडम माइकोटा इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ. माइकोटा फंजाई की बात हो रही है, कैसे डिवाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज, तीनों चीजें ही आ जाती हैं, है ना बेटा? तीनों चीजें ही आ जाती हैं. ओके, नेक्स्ट. सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द टर्म्स गिवन इन कॉलम वन विद देयर डेफिनेशन गिवन इन कॉलम टू. मैच डिसाइड करना है. सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द टर्म्स. पार्चुरेशन, ओव्यूलेशन, जेस्टेशन, इम्प्लांटेशन, मेनोपॉज. पार्चुरेशन बेटा चाइल्ड बर्थ को बोलते हैं. 1 का 3, एक में ही दिया हुआ है बेटा. 1 का 3, 4 में पार्चुरेशन बर्थ है, ओव्यूलेशन रिलीज ऑफ ओवा है, सेकेंडरी ओसाइट बेसिकली, जेस्टेशन वो पूरा पीरियड है, इम्प्लांटेशन अटैचमेंट है, मेनोपॉज एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है. नेक्स्ट, फोविया आयरिस प्यूपिल लेंस, बता दो. फोविया वो एंड वाला पोर्शन है जहां पर कॉन्स होते हैं, जहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉन्स होते हैं. तो 1 का ये मैक्यूला ल्यूटिया, 1 का सी एक ही में है, तो 2 का एक हो जाएगा विजिबल पोर्शन, प्यूपिल का हो जाएगा प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ लेंस मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन. 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. यस, यही आ रहा है 160 का. हाँ जी, पीछे आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स. कौन सी ऐसी चीज है बेटा जो खत्म नहीं होने की है? जो खत्म नहीं होगी, मिनरल खत्म हो सकते हैं, यूज करते रहोगे, वाइल्ड लाइफ मारोगे तो खत्म हो जाएगी. विंड की पावर एक इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है. ठीक है, हवा चल रही है, चलती रहेगी. मैक्सिमम नंबर ऑफ RBC इन पर क्यूबिक MM इज प्रेजेंट इन. सबसे ज्यादा RBC बेटा किस में होते हैं? मेल में, न्यूबॉर्न बेबी में, फीमेल्स में या फ्रॉग में? अब इसमें बच्चे को लगेगा कि यार मेल में, जबकि ये आंसर नहीं है. करेक्ट आंसर है एक नवजात शिशु में, न्यूबॉर्न बेबी में RBCs का नंबर मेल से भी ज्यादा होता है. ताजे ताजे बने हैं ना. शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय. शॉर्ट टर्म, थोड़ी देर के लिए बेटा इम्यूनिटी कौन देगा बता दो? लाइसोजाइम, सीरम, वैक्सीन से भी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिलती है, कोलेस्ट्रम,
कोलेस्ट्रम बेटा आपके पैसिव इम्यूनिटी है, बट ऐसा शॉर्ट टर्म नहीं है. शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी बेटा कहाँ से मिलेगी आपको? सीरम से, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड? कौन इसका इफेक्ट नहीं है? इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ बेटा इनहिबिटर है. ट्रॉपिक रिस्पॉन्स ऑक्सिन का होता है. रोल इन स्ट्रेस हार्मोन एब्सेशन है बेटा, ये इसका काम नहीं है. ट्रॉपिक रिस्पॉन्स इसका काम नहीं है. फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म सब किसके पास है? ऑक्सिन के पास है. इफ अ लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, न्यूमेरिकल आ गया. कम ऑन गाइज, ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल आ गया. इफ अ, देखो यार मैम इतनी देर से खड़ी हो सकती हैं, मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रही हूँ. 5 बजे तकरीबन हमारा, 5:30 हमारा सेशन शुरू हुआ. मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम बैठे हो. मैं बोल रही हूँ, तुम चुप हो. ठीक है, मैं लिख रही हूँ, तुम देख रहे हो. तो एनर्जी मेरी लो होनी चाहिए, तुम्हारी होनी चाहिए. पेपर बेटा एक दिन बाद है. एनर्जी किसी की लो नहीं होने दूंगी मैं, किसी की भी एनर्जी लो नहीं होने की. ठीक है, यस, बहुत सही बात है. एक बच्चा कह रहा है नीट पोस्टपोन. बेटा बच्चे आप 2030 में ट्रैवल कर लो. कह रहे नीट पोस्टपोन टू 2030. मुझे तो पढ़ पढ़ के ही अजीब लगता है तुम्हारे ये सब चीज़ें. हाँ जी, 2000 बेस पेयर हैं. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने हैं? ध्यान दो बेटा, अगर बेस पेयर 2000 हैं तो न्यूक्लियोटाइड कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे. न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे बेटा 4000. और लीनियर की बात करें, देखो सर्कुलर में तो बराबर होते हैं, लीनियर की बात करें तो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 कम होते हैं. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 2 कम होते हैं, यानी कि n-2 n-2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3998. ग्लाइकोसिडिक बराबर होते हैं तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. यही प्रोकैरियोटिक सर्कुलर डीएनए होते तो बराबर होते. द पेडिग्री इज गिवन बिलो. आप बताइए कौन से टाइप का डिसऑर्डर है? विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज दिस? जरा देखो इस पेडिग्री को, पहचानो क्या क्या फीचर्स हैं. देखो मेल को भी हो रही है, फीमेल को भी हो रही है, हर जनरेशन में आ रहा है. यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इस जनरेशन में भी आ रहा है. जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मेल फीमेल को, हर जनरेशन में भी हो रही है. ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मम्मी सिर्फ लड़के को दे रही है, किसी को भी दे रही है, दोनों को दे रही है. तो ऐसे टाइप का डिसऑर्डर हो जाता है डोमिनेंट, एंड दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. विद इन सेकेंड्स बेटा पेडिग्री के सवाल निकलेंगे. मोस्ट वाइडली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में बेटा कौन सा टिश्यू है? दैट इज कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा है? एरियोलर टिश्यू. सीटी इज द मोस्ट वाइडली, सीटी के अंदर जाके पूछोगे तो एरियोलर टिश्यू. डैश एंड डैश आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी बेटा. चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस कौन है? डायनोफ्लैजेलेट्स, डायएटम्स, यूग्लेनॉइड्स, प्रोटोजोन्स. कितनी बारी आ चुके हैं, कितने पेपर्स में आ चुके हैं, मॉक टेस्टों में ये सवाल मिलता ही मिलता है हमें, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. चीफ प्रोड्यूसर कौन है बेटा? डायएटम्स. व्हाट विल हैपन टू द प्रेगनेंसी इफ प्लेसेंटा फेल्स टू फंक्शन ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड? हाँ जी, प्रेगनेंसी का क्या होगा बेटा अगर प्लेसेंटा काम करना ही छोड़ दे? इफ प्लेसेंटा फेल्स टू फंक्शन, यस बता दो बेटा. प्लेसेंटा इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इम्यूनिटी सब यहीं से आनी है. तो यार प्रेगनेंसी नहीं ग्रो कर पाएगी, है ना? ऐसा तो होगा फीटस प्रीबॉर्न हो जाएगा, प्रेगनेंसी फर्क नहीं पड़ेगा. बिल्कुल पड़ेगा, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है RMP. क्या होता है? RMP, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या फिर उसको बोलोगे तुम रेस्टिंग पोटेंशियल. ठीक है जी. The ability of the surface to reflect the incoming radiation is called as. Ability of the surface to reflect the incoming radiation. It is called as. क्या बोलोगे बेटा? Solar constant, carrying capacity, biotic potential. देखो इसको elimination rule से निकालो. नहीं भी आता तो यार ये चार, ये तीन तो नहीं हो सकते. Correct answer क्या हो जाएगा? जो नया सा नाम है, that is albedo value. ठीक है, नया सा नाम. नया नाम क्या है बेटा? 3 है, 1 नहीं है. कंपेयर टू ब्लड लिम्फ हैज, यानी कि लिम्फ के पास क्या है? क्या ज्यादा न्यूट्रोफिल्स है? क्या सॉल्युबल प्रोटीन्स लार्ज अमाउंट में है? या क्लॉटिंग टाइम ज्यादा है, या ज्यादा WBC है? कंपेयर टू ब्लड, देखिए बच्चा कोशिश करेगा कि मैं चौथे पे चला जाऊं कि लिम्फ के पास ज्यादा WBC है, जबकि ऐसा नहीं है. लिम्फ के पास WBC ब्लड से कम है, क्योंकि यार वो ब्लड का एक छोटा सा हिस्सा है.
सारा ब्लड नहीं हो सकता है, क्लॉट करता है लेकिन कम टाइम लेता है. 3 इज द राइट आंसर, नॉट 4. 4 इज नॉट द राइट आंसर. रिजेक्शन ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांट, रिजेक्ट कौन करेगा? रिजेक्ट करेंगे बेटा आपके कौन से सेल्स? द करेक्ट आंसर इज किलर सेल्स, टी सेल्स. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से रिजेक्शन होती है. किसकी वजह से? CMI की वजह से, दैट इज किलर टी सेल्स. अच्छा जी, ABC पूछा है. ये ABCD कहाँ है? ये रहा बेटा आपका D. आइडेंटिफाई ABCD. अच्छा, इसमें से बताना मैट्रिक्स क्या है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कौन सी है, बता दो. और D की ऑप्शंस ये हैं. दिख रहा है? दिख रहा है पानी का बन रहा है, ये भी तुम्हें दिख रहा है? 146. ओके, ए क्या है? ए तो बेटा तुम समझ गए हो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. ये तो तुम समझ गए हो, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है तो यही हो सकता है. जो अपना बी है वो क्या है? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है. चलो जी ठीक है, सी भी ठीक है. हाँ जी, अब अपने पास सवाल आ रहा है कि डी क्या है. ये जो बीच में दिया हुआ है ये डी क्या है? बेटा डी है ये, साइटोक्रोम सी नहीं है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही है. सी इज द राइट आंसर. Which of the following is incorrectly matched? आपको क्या ढूंढना है? Incorrect matching ढूंढनी है. हाँ जी, purines, adenine and guanine. सही है. Pyrimidine, cytosine, uracil, thymine. Nucleoside, adenosine, thymidine. DNA is a basic biomolecule. ये कैसे basic सा सवाल पूछ रहे हैं? कह रहे छोटी बच्ची हो क्या? है ना, उस टाइप का सवाल आ गया. DNA क्या है बेटा? Acidic. Tiger Shroff की याद आ गई थी मुझे. Yes, which of the following genetic disorder occurs due to missense mutation? Which of the following occurs due to missense mutation? That is sickle cell anemia. Point mutation एक के change की वजह से होता है, एक nucleotide के change की वजह से. That is sickle cell anemia. हंसना भी जरूरी है बेटा, इतना serious होकर paper नहीं देना. Choose the correct statement which is not correct about cockroach. Not correct पूछी है. Yes, malpighian tubules are the chief excretory organ. True है. 13 pair of alary muscles they are found. बेटा alary muscles के 12 pair होते हैं. Heart is 13 chambered, but alary muscle का pair एक कम होता है. ठीक है, ये false है. Hemolymph does not help in respiration. True है. Reticuli major serves as a first layer of spermatophore. सारे सही हैं, ये गलत है. 12 pair of alary muscle and 13 chambered heart. ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा alary muscle junction पे present होते हैं. मान लीजिए ऐसे heart है, ठीक है, ये ऐसे junction पे fan type होता है. तो junction तो 12 ही होंगे ना. कितने होंगे बेटा? 12 ही होंगे ना. Yes. तो extensive metabolic diversity is shown by the members of. It is shown by the members of metabolic diversity. Cosmopolitan, हर जगह पाए जाते हैं. Bacteria, that is Monera. Which of the following statement is correct? क्या है बेटा? Which of the following statement is correct? पूछ रहे हैं. Meiosis 1 occurs in the primary spermatocyte. हाँ जी true है. Meiosis 1 नहीं होती, इसमें 2 होती है. Meiosis 1 in spermatid गलत है. Meiosis 2 in spermatid. Spermatid में आगे कुछ नहीं होना, वहाँ spermiogenesis होनी है. तो अकेला एक ही सही है ना? मैम पेपर सॉल्व कर रही है, मजा आ रहा है तुमको. Unidirectional transmission of nerve impulse through synapse. कहाँ से कहाँ तक होगी? देखिए मान लीजिए सेल बॉडी के डेंड्राइट्स हैं, फिर बेटा यहाँ पर नेक्स्ट न्यूरॉन है, देन सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, नेक्स्ट न्यूरॉन. यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है? यहाँ से बेटा न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे और पहुँच जाएंगे अगले के डेंड्राइट के पास, है ना? तो करेक्ट आंसर बेटा अपना बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2. राइट, साइनैप्स यही है ना, दिस इज द साइनैप्स. डर नहीं लगना है बेटा, मेरे को देख के क्यों लग रहा है, मैं थोड़ा पेपर हूँ. फूड चेन, एनर्जी फ्लो हमेशा 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 क्या होगा बेटा? कुछ क्वेश्चन ऐसे बेसिक भी आएंगे जिसमें तो पता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है. तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन को गलत मत करना. OMR वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि OMR में बेटा मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको बेस्ट वे है. क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सही आंसर कर दिया तुमने, OMR गलत भर दी, सारी की सारी मेहनत चली जाएगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ. ओके, सो मसल हेल्प्स इन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी. इंक्रीज करना है बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाना है तो दो चीजों को काम करना पड़ेगा, डायफ्राम और EICM. क्या है? डायफ्राम और EICM इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन में यही होता है. नेक्स्ट आ जाइए. हाँ जी करो सॉल्व.
Which of the following is caused by virus? Diphtheria, polio, TB, syphilis. Polio is caused by virus. Diphtheria bhi bacterial hai, TB bhi bacterial hai, syphilis bhi bacterial hai. The cells in the fully turgid, when one of the following condition is fulfilled. Pencil bhi jawab degi yaar. Tum log answer do iska. Kya sahi hai? 136. Yes guys, 136 ka kya answer hai? Fully turgid. Turgid matlab bhara hua cell. भरे हुए सेल का क्या सीन है? 136. डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर, डेफिसिट इज इक्वल टू सेक्शन प्रेशर या इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर जीरो. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4. ठीक है जी. नेक्स्ट, आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, एमआरएनए मैच करो. आरआरएनए किस में हेल्प करेंगे, टीआरएनए किस में हेल्प करेंगे और एसएनआरएनए किस में हेल्प करेंगे? देख लूं मैं. ओके. आरआरएनए रिबोसोमल आरएनए, टीआरएनए ठीक है जी, एक से ही आ जाएगा, टीआरएनए से आ जाएगा. टीआरएनए का काम है कोडोन को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि उसके पास एंटीकोडोन होता है जो कि दिया हुआ है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में. 1 इज द राइट आंसर. ठीक है, देख लो चाहे मैच कर लो. एसएनआरएनए स्प्लाइसिंग सब डायरेक्ट ही थे, बिल्कुल डायरेक्ट मैचिंग थी, कुछ करना ही नहीं था. इफ इन अ फैमिली फादर इज अफेक्टेड बाई डाउन सिंड्रोम, तो फादर के पास 3 कॉपी ए की हैं, मदर अपनी क्या है, नॉर्मल है. फाइंड आउट द परसेंटेज, ये मैंने जेनेटिक्स में भी कराया था, ये बेटा मैंने जेनेटिक्स में भी कराया था. फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन टू बी अफेक्टेड बाई द डिसऑर्डर. यहाँ पे जो गैमिट्स बनेंगे वो ये बनेंगे, यहाँ पे जो गैमिट्स बनेंगे वो ये और ये बनेंगे. ठीक है, ये इससे जुड़ेगा इसको ट्राइसोमी हो जाएगी. ठीक है, ये इससे जुड़ेगा इसको कुछ नहीं होगा, ये इससे जुड़ेगा बेटा इसको भी ट्राइसोमी हो जाएगी, ये इससे जुड़ेगा इसको कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो कितने, 4 में से आपके 2 को क्या हो जा रही है, ट्राइसोमी हो जा रही है. 4 बच्चे हो रहे हैं, 4 में से 2 को ट्राइसोमी हो जा रही है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3. ये कराया था जेनेटिक्स वाले में, है ना, जब न्यूमेरिकल्स कराए थे. ट्राइसोमी को ऐसे लिख सकते हो ना, ए ए ए, ऑटोसोम के लिए मैंने यूज किया. अच्छा, कॉकरोच, नेक्स्ट वन. आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द कॉकरोच. बता दो ए बी सी डी ई आर, करेक्ट ऑप्शन बताना है, देख लो. बी इज द सलाइवरी ग्लैंड, ओके. अच्छा, करेक्ट ऑप्शन. मैक्सिमम डाइजेशन डी में होती है. 6 सर्कुलर टीथ आर प्रेजेंट इन एफ, ओके. स्ट्रक्चर जी सिक्रीट्स मोस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम, नो. यस, करेक्ट आंसर बेटा. आपको ये नहीं लग रहा, 2 इज द राइट आंसर. यस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एंसेस्टर्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स के एंसेस्टर कौन है, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, आरके बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा. देखिए ग्रीन प्लांट्स जैसी हरकतें हैं, यानी कि अपना खाना खुद कौन बनाता है, बीजीए, दैट इज साइनो बैक्टीरिया, तो वो एंसेस्टर्स हुए. लीफ टिप टेंड्रल्स आर प्रेजेंट इन, लीफ के टिप वाले टेंड्रल्स दे आर प्रेजेंट इन. यस, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ग्लोरियोसा. सिंप्लेक्स में नहीं है, लेथायरस में नहीं है, पाइसम में नहीं है. ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, सार्कोमेर तो शॉर्टन करता है, ये तो गलत है. ए बैंड बिल्कुल सेम रहता है, ए एच आई सारे शॉर्टन नहीं करते, ओवरलैपिंग बैंड बढ़ जाता है, ए तो वैसे ही छोटा नहीं होता, तो ये गलत हो गया. एक्टिन फिलामेंट, फिलामेंट किसी की लेंथ छोटी नहीं होती. ठीक है, द ओनली करेक्ट आंसर इज 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पार्शियल स्टेम पैरासाइट. पार्शियल स्टेम पैरासाइट कौन है, कस्क्यूटा, सेंटिलम, लोरेंथस या रेफ्लेशिया. करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा लोरेंथस. ओके, नेक्स्ट, एयर फिल्ड डेड स्पेस. बड़ा अच्छा सवाल है, मैंने तुम्हें बताया था टीवी कितना होता है, टीवी होता है बेटा यस, टीवी कितना होता है, 500 ml. ठीक है, अब टीवी आया, कुछ जो है वो ऐसे स्पेस में रह गया, इसको डेड स्पेस बोलते हैं. 150 यहां पर रह गया, एल्वियोलाई तक कितना पहुंचा, 350 पहुंचा, तो 150 इज द डेड स्पेस वॉल्यूम. ठीक है, डेड स्पेस वॉल्यूम, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, कराया हुआ है. गोल्डन एज ऑफ द एम्फीबिया वॉज ड्यूरिंग, एम्फीबियंस की एज कौन सी थी, यस, कार्बोनिफेरस, होलोसीन, म्यूसीन या सिल्लूरियन. करेक्ट आंसर कार्बोनिफेरस. ओके,
In the process of the ATP formation, oligomycin and DCCD act at which place? हाँ जी, ए बी सी डी दिया हुआ है. ओलिगोमाइसिन एंड डी सी सी डी, दे विल एक्ट एट विच प्लेस? यहाँ निकलते वक्त या उधर जाते वक्त, एफ नॉट से जब निकलता है. यस, ए इज गोइंग टू बी द राइट वन. इस जगह पे बनते हैं. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए. 125. व्हाट डज ए एंड बी रिप्रेजेंट इन द रिप्रेजेंटेशन? अच्छा, शुगर प्लस बेस को क्या बोलोगे? न्यूक्लियोसाइड. इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो पहला न्यूक्लियोसाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दैट इज 3, है ना. राइबो और डिऑक्सी के बारे में हम नहीं बता सकते, और एक राइबो तो दूसरा डिऑक्सी हो ही नहीं सकता. जी, जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं ना, यहाँ न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड तुमने पढ़ लिया. अच्छा, ये हो ही नहीं सकता, साइड साइड है, टाइड टाइड है, टाइड साइड है, तो एक ही सही है. नेक्स्ट आ जाओ. इनकरेक्ट बताना है. क्या बताना है बेटा? इनकरेक्ट. एबीओ ब्लड ग्रुप आर रेगुलेटेड बाय आईजीन, सही है. एबीओ शोज मल्टीपल एलिज्म. आई ए आई बी प्रोड्यूस सेम एंटीजन, अलग अलग आते, एक ए और एक बी. आई ए आई बी आर इनकम्प्लीट डोमिनेंट. सी एन डी आर, ऑप्शन नंबर राइट. इनकम्प्लीट डोमिनेंट नहीं है बेटा, ये को डोमिनेंट है. क्या है? को डोमिनेंट है, एक साथ इक्वली एक्सप्रेस करेंगे. आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम एंड फाइंड आउट विच इज करेक्ट. ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है. देखिए, डी है पोस्ट एनल टेल, ए क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और बी नोटोकॉर्ड है, और ये बाहर वाली नर्व कॉर्ड है. तो तुम करेक्ट आंसर निकाल लो. करेक्ट आंसर बेटा आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3. सबसे डॉर्सल होती है नर्व कॉर्ड, देन नोटोकॉर्ड, देन फेरेंजियल गिल स्लिट्स, एंड देन पोस्ट एनल टेल. विच टैक्सोनॉमिक एड इज यूज टू स्टडी फूड हैबिट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल? हाँ जी, फूड हैबिट दिया. म्यूजियम में तो नहीं पता चलेगी. ठीक है, म्यूजियम में हमने असली एनिमल नहीं रखा हुआ, बिहेवियर कैसे देखोगे? हर्बेरियम में पौधे रखे हुए हैं, एनिमल का देखना है तो जू में जाके देखोगे, है ना. पॉली आर्क वैस्कुलर बंडल अकर्स इन, किस में होगा बेटा पॉली आर्क वैस्कुलर बंडल? यस, इट इज गोइंग टू अकर इन मोनोकॉट रूट. ऑड वन आउट निकालना है. स्कैफोइड, ल्यूनॉइड, पिसिफॉर्म कैल्केनियम, बता दो. ये मैंने सिखाया हुआ है. यस, स्केफॉइड. ये थोड़ा सा यार आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट मैं बता देती हूँ. ये तीनों बोन्स किसकी हैं? कार्पल्स की बोन है. ये जो है बेटा, ये टार्सल है, ये हील बोन को बोलते हैं. ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है इनके नाम, बट कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा. हील बोन मेरे ख्याल से याद रख सकते हो, कैल्केनियम इज द हील बोन, बाकी सब आपकी कार्पल की बोन्स है. ठीक है जी. Which of the following is an example of total root parasite? Yes, पहले partial देखा था, अब क्या देख रहे हैं? Total root parasite. That is going to be Rafflesia. ठीक है, उससे पहले वाले का आंसर था Loranthus, इसका आंसर है Rafflesia. Gastric juice में क्या क्या है? Gastric juice यानी कि stomach के अंदर क्या क्या है? Trypsin नहीं हो सकता, ये pancreatic है. ये गलत, ये गलत. इसमें भी trypsin आ गया, ये गलत. Only this is the right answer. है ना? Pepsin होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, रेनिन होता है विद डबल एन. इन ऑस्ट्रेलिया एनिमल्स लाइक वॉम्बैट, बैंडिड एंटीटर, शुगर ग्लाइडर, क्वाला क्या शो करते हैं बेटा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या शो करते हैं? ये अडैप्टिव रेडिएशन. और इसी अडैप्टिव रेडिएशन को तुम डाइवर्जेंट भी तो बोल सकते हो. बिल्कुल सही है. करेक्ट आंसर इज बोथ 2 and 3. गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. इसी अडैप्टिव रेडिएशन को डाइवर्जेंस भी तो बोल सकते हो, है ना. एक जगह से निकले, अलग अलग जगह पे रेज जा रही है. सी फोर प्लांट्स डिफर फ्रॉम सी थ्री प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू? हाँ जी, क्या अंतर है बेटा सी फोर और सी थ्री में? विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ सी ओ टू मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट. हाँ, दोनों का जो सबस्ट्रेट है, जो सी ओ टू को एक्सेप्ट करता है, वो क्या है? डिफरेंट है. टू इज द राइट आंसर. हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट? पढ़ लो यार, पढ़ लो फटाफट से. पोमैटो इज अ सोमैटिक हाइब्रिड बिटवीन पोटैटो एंड टमेटो. सेल मेम्ब्रेन लेस प्लांट सेल इज प्रोटोप्लास्ट. सोमैटिक हाइब्रिड इज हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स. यस, सारी सही नहीं है, गलत है ना, एक गलत है. तो तीन क्या है आपकी? सही है. ठीक है, तीन क्या है? गलत है. ये तुम अभी छोड़ दो, ये तो तुम्हारी हो जाएगी हालत थोड़ी सी खराब. ठीक है, यस. अभी न्यूमेरिकल्स बेटा जितने करे हुए हैं, बस उतने को ही याद रखिए.
हाउ मेनी ऑफ देम आर इंसेक्ट्स, कितने इंसेक्ट हैं बेटा यहाँ पर जरा देखिए, एक दो तीन, यस एक दो तीन, तीन ही दिख रहे हैं, एपिस इंसेक्ट है, लोकस्ट इंसेक्ट है, लेपिज्मा सिल्वर फिश इंसेक्ट है, तीन ही हुए, ये तीनों आर्थ्रोपोड है बेटा, एपिस हनी भी, लोकस ग्रेगेरियस पेस्ट और लेपिज्मा सिल्वर फिश, इट इज ऑल्सो एन इंसेक्ट, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। हाँ जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्पीशी नेम एक्सेप्ट, स्पीशी नेम एक्सेप्ट होमोसेपियंस पेंथेरा टिग्रिस पेंथेरा सोलनम ट्यूबरोसम, सब में पता है स्पीशी, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, किस में नहीं आ रहा, पेंथेरा अकेला जीनस का नाम है, स्पीशी नहीं आ रहा है इसमें। ओके, कौन सी वीडियो आ गई, मैंने तो देखी नहीं यार, अभी वो वाली वीडियो नहीं आई है, वो तो अभी सरप्राइज है, कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं, जरा मैं देख लूँ जाके, मुझे देखना पड़ेगा, अभी एरर आ रहा है, मैं लोड ही नहीं कर पा रही हूँ। नहीं नहीं बेटा ये नहीं है, अभी मैं और बताऊंगी, वो है रात में आएगी वो। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स हैज डेड सेल्स विथ थिक लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग फ्यू न्यूमरस पिट्स, वन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। वॉट इज ट्रू फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो तो अभी मैंने एडिट ही नहीं किया, अभी कहाँ से आ जाएगी, अभी मैम की एडिटिंग चल रही है, अभी अभी करूँगी मैं क्लास के बाद, एक घंटा लगाऊंगी उसमें फिर आएगी, ठीक है। 9 बजे बोला था, 9 बजे थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाएगी, 10 बजे तक हो जाएगी। यस, 1 1 10 देख लिया, ट्रू फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन बेटा, सार्कोलेमा सोडियम आयन के लिए तो परमिएबल रखनी पड़ेगी, तभी सोडियम आयन अंदर आएंगे, डीपोलराइजेशन होगी और मसल कॉन्ट्रैक्शन चालू होगी। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर पैरासाइट, पैरासाइट पे बेटा बहुत सारे सवाल है, दैट इज बैक्टीरियोफाज, ये क्या है, हाइपर पैरासाइट। ओके, पैरासाइट होस्ट के ऊपर पैरासाइट, पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट कौन है, बैक्टीरियोफाज। लैक्टील्स टेक पार्ट इन फैट की एब्जॉर्प्शन में, किस में पार्ट लेते हैं बेटा, फैट की एब्जॉर्प्शन में, ये बेटा हॉर्स की दी हुई है तुम्हें, अब नहीं पूछा जाता खैर हॉर्स का क्वेश्चन, मैंने तुम्हें बस ये सिखा दिया था, ओ मिस मैरी प्रूव दी इक्वेशन, बस ये याद रखना है, इो हिप्पस मीजो हिप्पस मैरिक हिप्पस प्लियो हिप्पस एंड इक्वस, बाकी बेटा इतना चाहे मत याद रखो, इट्स ओके, बस तुम ये याद रख लो, बाकी अवॉइड करो। विच इज नॉट करेक्ट बेटा, इनमें से कौन सा सही नहीं है, परमेबिलिटी ऑफ साइटोमेम्ब्रेन, कॉपर एज इम्पार्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द प्रोटोप्लाज्म, दे आर नॉट एसेंशियल गाइस, है ना, ये एसेंशियल आपके नहीं है। पॉलीसेक्राइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर आर, ग्लूकोज से कौन कौन बना हुआ है, ओके सुक्रोज के अंदर फ्रक्टोज भी होता है, इसके अंदर गैलेक्टोज होता है, इसके ग्लूकोज 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 माल्टोज में भी तो है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज, स्टार्च में भी ग्लूकोज, स्टार्च ग्लाइकोजन सेल्युलोज में भी ग्लूकोज, स्टार्च इंसुलिन, इंसुलिन नहीं है बेटा, दोनों सही नहीं लग रहे, माल्टोज ऑल्सो ग्लूकोज ग्लूकोज, अच्छा माल्टोज इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड, यस करेक्ट आंसर, 3 है बेटा, 2 इसीलिए नहीं है क्योंकि माल्टोज तो डाइसेकेराइड है ना, बाकी ये तीनों क्या है, पॉलीसेकेराइड, तो इस पर भी फोकस करना है, इस पर भी फोकस करना है ना। चलो, एलीलिक फॉर्म इज सेट टू बी डोमिनेंट इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन, हाँ जी डोमिनेंट कब बोलते हैं बेटा, जब वो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करे और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करे, तब जाके उसको बोलते हैं डोमिनेंट, सिंपल सवाल। विच इज करेक्ट फॉर द स्पाइडर, स्पाइडर यानी कि अपना वो क्या है, ऑर्थ्रोपोडा। व्हाट इज करेक्ट फॉर द स्पाइडर, एक्सक्रीशन बाय बुक लंग्स, रेस्पिरेशन बाय कॉक्सल ग्लैंड्स, नो एंटीने, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, नहीं बेटा सिफेलोथॉरिक्स होता है, गलत, कोई एंटीने नहीं होते स्पाइडर के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर आपको लिखवाए थे, कौन डिफाइनिंग फीचर नहीं है लाइफ फॉर्म का, मेटाबॉलिज्म, सेलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, कॉन्शियसनेस। देखिए रिप्रोडक्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करते, जैसे म्यूल है, हिन्नी है, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते ना, तो डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो सारे लिविंग करें और नॉन लिविंग ना करें। देखो नॉन लिविंग तो नहीं करते, लेकिन सारे लिविंग कहाँ करते हैं, है ना, सो दिस इज द राइट आंसर। बोथ चार्ज्मोगेमस एंड क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर्स दे आर प्रेजेंट इन हेलियंथस कॉमेलिना रोजा एंड गॉसिपियम, यस करेक्ट आंसर कॉमेलिना।
फ्लोराइड पोल्यूशन इनिशियली अफेक्ट्स, किसको अफेक्ट करती है बेटा? फ्लोराइड, वो बोलते हैं ना जिस एरिया के पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है उन लोगों के दांत पीले हो जाते हैं, ठीक है? इट अफेक्ट्स टूथ. ये बेसिक जनरल नॉलेज का सवाल है, राइट? एनिमल्स विच एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया, बहुत ज़्यादा यूरियो. यूरियोटेलिक कौन है? यूरियोटेलिक है बेटा आपके लार्ज अमाउंट ऑफ, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं. एक्वाटिक आ गए, अमोनिया, एगलिंग भी नहीं. एम्फीबियंस आर गोइंग टू बी द राइट आंसर. आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैन ऑल, आउटर मोस्ट बेटा कौन सी है आपकी? सिरोसा. सिंपल सा सवाल. ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन द थ्री कार्बन एटम ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से बनेगा यार? पीजीए के थ्री कार्बन, आर यू बी बी फाइव कार्बन प्लस सी ओ टू, दोनों जुड़ के क्या बनाते हैं? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली, हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट रिगार्डिंग क्लोरोप्लास्ट, कितनी सही है? 70S राइबोसोम है, एटीपी फॉर्मेशन, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है. इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली मोर परमिएबल, बाकी सारे सही हैं. करेक्ट आंसर थ्री, एक मिनट, टू, सॉरी, आई मीन थ्री सही है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू. प्रोसेस विच इंक्लूड्स कंसेंट्रेशन सेपरेशन प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन आ जाए, यानी कि ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट, सबसे पहले पेंसिल जवाब देगी बेटा. तीन क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट थ्री क्वेश्चन ऑफ 2022 का बेटा मेरी तरफ से ये आखिरी सेशन चल रहा है. इसके बाद अब मैम ना तो पढ़ाएंगी, क्योंकि अब तुम खुद देखोगे जो रिवाइज करना है. अब इसके बाद मैं सजेस्ट भी करूंगी कि आप कुछ मत देखिए, ज़्यादा मत इन्वॉल्व करिए अपने आप को, जस्ट रिलैक्स करिए, काम रखिए अपने बॉडी को, मेडिटेशन ज़रूर करिएगा. 94, फर्स्ट सक्सेसफुल बेटा वर्टिब्रेट्स कौन होंगे आपके पास? सबसे पहले कंप्लीटली लैंड पे कौन आए? रेप्टाइल्स आए, यही आए ना, रेप्टाइल्स आए. प्रोथैलस इज फाउंड इन, किस में मिलता है? टेरिडोफाइट्स में. आइडेंटिफाई द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव हुज फीचर्स आर गिवन बिलो, अच्छा ये किसके फीचर्स हैं? दे प्रिवेंट एसटीडी, यार एसटीडी बैरियर मेथड ही प्रिवेंट करता है, तो सारी बैरियर नहीं हो, रुक जाओ. दे आर इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन, दे डू नॉट इंटरफेयर इन द एक्ट ऑफ कोइटस. वैसे तो बेटा सबके लिए ठीक है, बट बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा? कॉन्डम्स. लास्ट क्वेश्चन फॉर बेटा टूडे, जिसमें फोटो आ गई है. Which of the following plant parts vegetative propagation occurs by adventitious buds? हाँ जी, in which part vegetative propagation occurs by adventitious buds? That is going to be adventitious buds. ये tubers है. ये तो hydra है. Budding हो रही है इसमें. This is going to be the right answer. Bryophyllum में होता है ना? Here the adventitious buds, they are present on the leaf, right? और यहाँ पर example रहेगी आपकी bryophyllum, बिल्कुल सही है. So with this, guys, जिसने पूरा attend नहीं किया, I'll share the PDF on Telegram, ठीक है? सीख पाओ जा biology से, आप join कर लीजिएगा. So with this, बेटा, we are now done with 2022 and यहाँ पर बेटा हम समाप्त करते हैं 2 साल की अपनी जर्नी को. मेरी तरफ से बेटा सब बच्चों को बस यही है कि किसी को मत देखो कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन कितनी ध्यान से पेपर दे रहा है. स्पेशली बेटा जब पेपर शुरू होने से पहले आप किसी को मत, मतलब देखना, अवॉइड करना, क्योंकि बच्चे अलग अलग बुक से पढ़ रहे होंगे वहाँ पर. तुम्हें एंग्जाइटी हो सकती है कि यार ये बुक कहाँ से लाया है, इसके पास तो इस मॉड्यूल के क्वेश्चन है, इसके पास तो ये वाले नोट्स हैं. बिल्कुल सब कुछ देखना अवॉइड करो, सबसे अलग बैठो, अपने पेरेंट के साथ बैठो, जो आपके नोट्स हैं बस उसी से रिवाइज करो. आप सोचिए आपने जितनी तैयारी की है वो बेस्ट है, बाकी सब मूर्ख हैं. आपको सोचना पड़ेगा, सब दुनिया मूर्ख है, मैं बेस्ट हूँ. आपको क्या सोचना? I am the best. No matter आपको कितना आता है, चाहे 50% ही आता है ना, फिर भी सोचो I am the best. क्योंकि अगर तुमने अपने आप को सोचा कि यार मैं किसी से कम हूं, तो जितना आता है ना उससे भी गलत परफॉर्म करके आओगे. So yes, what you will say? I am the best. Always and always आप यही बोलेंगे, अपने माइंड को सिखाएंगे ये चीज, और यही चीज बेटा तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारी बेस्ट आउटपुट देने में. अगर तुम लोगों को देख के अफेक्ट हो गए, तो यार वो चीज तुम्हें नीचे लेके जा सकती है, जो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, ठीक है जी? देख लो इस बारी जेई मेन्स का क्या रिजल्ट आया था. जेई मेन्स में बेटा अन अकेडमी से अराउंड 1300 स्टूडेंट्स ने 99+ percentile स्कोर किया है, मतलब उनका सिलेक्शन पक्का है एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में. तो जो 17 सितंबर की डेट है, तुम्हारा भी रिजल्ट आएगा. एंड
वी विल शो देम कि अन अकेडमी की पावर क्या है, हमारे बच्चे कैसा परफॉर्म करके आएंगे, ये गारंटी होने वाली है। यहाँ पर बेटा नाम आएगा आप सबका, यहाँ पर फोटो आएगी आप सबकी। तो यस, आखिरी सेशन है बेटा, कैसा लगा ये ज़रूर बताना। अगर कोई 2023-4 का बच्चा देख रहा है तो बेटा अभी ऑफ़र भी चल रहा है आपके पास, ठीक है, सिर्फ आज लास्ट दिन है इस ऑफ़र का, तो आप अवेल कर सकते हैं। कोड लगाएंगे मैम का, आखिरी बार ही बता रही हूँ इस क्लास में, सीप लाइफ, ठीक है जी, मैम की मेंटोरशिप के लिए। अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो बिल्कुल इस कोड से आप प्लस या आइकॉनिक दोनों चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं। अपने जूनियर्स को बेटा ज़रूर सजेस्ट करना मैम के बारे में, अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आए। वो सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको बोलिए मैम के लिंक ट्री पर उनको बेस्ट फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, यू कैन शेयर माई लिंक ट्री विद देम, ठीक है, ये बहुत बड़ी हेल्प होगी आपकी, मेरे लिए भी और उन सारे बच्चों के लिए भी, ठीक है। तो आज का अपना मेमोरेबल फेयरवेल सेशन को एंड करते हैं। आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू रॉक इट। बस किसी की नहीं सुननी है, अपने दिल की सुननी है। ये भी याद रखना है कि जो भी होगा ना यार तुम्हारे साथ, वो अच्छा ही होगा, ठीक है, होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है, लेकिन जो भी होगा वो अच्छा होगा। अब मैं तुमसे मिलूंगी परसों लाइव पेपर के तुरंत बाद, और पेपर सॉल्विंग हम यहाँ पर इकट्ठे करेंगे, ठीक है बेटा जी। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर देना है, किसी को नहीं देखना किसको कितना आता है, कौन कहाँ से पढ़ रहा है, तुम जहाँ से पढ़ रहे हो तुम वहीं से पढ़ो, इस समय कुछ भी चेंज नहीं करना। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई रियली विश आप सब अगले महीने दो महीने के बाद आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में हों एंड एक अच्छी लाइफ आगे जिएगा, एंड बी अ गुड ह्यूमन बींग, दैट्स इट, राइट। थैंक यू गाइज, थैंक यू। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर तो क्या ही करोगे यार, अब परसों पेपर है, एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इसको सजेस्ट ज़रूर करना। आपसे मैं ये ज़रूर चीज़ चाहूँगी कि अगर आपको पसंद आता है ये चैनल और मैम, तो मैम को ज़रूर सजेस्ट करना अपने जूनियर्स को, उनका थोड़ा भला हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, बाय बाय गाइज, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, ब्रेक अ लेग।